एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। हाय रोज, हेलो अकी, हेलो शान्या, रंगनाथ, हेलो मिस्टर वायरल, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? हेलो तालीम, आरती, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जल्दी से बता दो मेरी आवाज क्लियर है सबको। तो आज बच्चों हम अपना वन शॉट कंप्लीट करने वाले हैं। आज से शुरू हो रहा वन डे वन चैप्टर आपका फिनिश करेंगे अगर आप मेरा साथ दोगे, ठीक है? अगर आप बोलने लगोगे कि मैम नहीं 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 एक दिन में बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं, अपन के पास अब दिन बहुत कम है और हमें पूरी तरह से रिवाइज करना है हर एक चैप्टर को। तो इस तरह से ही रिविजन अगर हम स्टार्ट करेंगे तो साथ साथ आप भी रिवाइज कर लोगे, ठीक है? तो आज से हमारा ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जिन बच्चों को नहीं पता है फटाफट से सेशन को शेयर करके अपने सारे फ्रेंड्स को बता दीजिए और लाइक बटन तो सबको हिट करना है, ठीक है? चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, फुल जोश में। अच्छा चैप्टर है, इजी जरूर है, बट इससे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप कंफ्यूज होते हो, स्पेशली आपके जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं, ठीक है, आपके जो रूल्स हैं इन सब में आप बहुत कंफ्यूज होते हो, ठीक है? आपके क्लास में, ऑर्डर में, इन सब चीजों को ध्यान रखना है और आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, ठीक है? चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फटाफट से सब लोग बता दिए मेरी आवाज क्लियर है, इज माई वॉइस ऑडिबल टू एवरीवन? हाँ जी, चलिए चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी परनवाल एंड आई एम योर नीट बायो एडुकेटर। मैं आपकी कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाती हूँ और पढ़ाऊंगी और रिवीजन भी कराऊंगी, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा। हर एक चैप्टर को जो मैं पढ़ाते जा रही हूँ उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी मैं स्पेशल पे रखूंगी। डेट आपको बहुत जल्द पता चल जाएगी, मोस्टली दिस वेंसडे से हम वी आर स्टार्टिंग, ओके? चलिए, ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लेट्स क्रैक का अपना चैनल है। अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं तो बस मेरा नाम याद रखना है, डॉक्टर साक्षी बरनवाल, एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम, ओके? चलिए, तो सारा आपको जितने भी इंफॉर्मेशन, नोट्स, पीडीएफ सब आपको यही मिलेंगे टेलीग्राम पे। चलिए, हाँ, डेली यही टाइम है। टुडे इज द फर्स्ट डे एंड वी आर डूइंग द फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड, ओके? लिविंग वर्ड पे जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जिसके लिए अलग अलग तरह की चीजें बताई गई हैं, ठीक है? लिटिल विंग्स, मैंने बोला है मैं डीपीडी की वीडियो बना के दूंगी। मैंने ये नहीं बोला कि जैसे ही मैंने बोल दिया मैं अगले 5 मिनट में बना के दे दूंगी। तो बेटा थोड़ा सा संयम रखिए, ठीक है? ये आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है? चल, चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा मैं आपसे पूछूंगी बीच बीच में, प्लीज लेट मी नो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया। बाकी अगर किसी और चैप्टर का कोई भी क्वेरी है रिलेटेड उससे, तो आप लोग भी, जो बच्चे नए आएंगे बीच में, अगर वो भी पूछ रहे हैं तो उनको भी बोल दीजिएगा कि एंड ऑफ द सेशन मैम कुछ टाइम का आपका वो क्वेरी ले लेंगी, बट सेशन के बीच में प्लीज इस सेशन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे अपन, ओके? चलिए, तो सबसे पहले लिविंग वर्ड में हम बात करने वाले हैं, लिविंग थिंग को कैसे डिफाइन किया जाता है, व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लिविंग बींग, ठीक है? बिल्कुल साक्षियंस बना दी हो, बढ़िया एकदम, ठीक है? ऑल ऑर्गेनिज्म शेयर कैरेक्टरिस्टिक लाइक ऑर्गेनाइजेशन, एनर्जी यूटिलाइजेशन, रेगुलेशन, होमियोस्टेसिस यानी इंटरनल एनवायरमेंट को रेगुलेट करना, ग्रोथ, डिवेलपमेंट, रिप्रोडक्शन, एडेप्टेशन। ये सारी क्वालिटीज, ये सारी खूबियां किसके, एक लिविंग बींग की। बट इसमें से वो कौन सी खूबी है जिसके कारण एक लिविंग बींग को आप कैरेक्टरिस्टिक एक फीचर बना सकते हो कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर है तो ये लिविंग थिंग है, अगर ये नहीं है तो दिस इज नॉट अ लिविंग थिंग। इन सब के, ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे फीचर्स लिखे इन सब को मिला दे तो यस वी कैन डिफाइन अ लिविंग बींग। बट अगर सोनली एक एक कैरेक्टरिस्टिक को हमें पहचानना है कि डज इट डिफाइन दी लिविंग बींग इन देयर ओन सेंस विद देयर ओन बिलीफ, तो इज इट पॉसिबल और नॉट, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक पे ध्यान देने वाले, ठीक है? सबसे पहला है ग्रोथ। बेटा ये वन शॉट है, जो चीज आपके बुक में आपने एक बार पढ़ा हुआ है, ठीक है, अगर रिविजन करने पर आपको लग रहा है वो आपका छूटा हुआ है तो वो नोट डाउन कर लेंगे, अननेसेसरी कोई चीज नोट डाउन नहीं करनी है, ठीक है? क्या क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है? ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, देन देयर इज मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। दीज आर द फाइव मेजर कैरेक्टरिस्टिक जो कि एक लिविंग बींग को आपके डिफाइन कर रहा है। दीज आर द फाइव मेजर कैरेक्टरिस्टिक, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है? क्लियर है? चलो,
इसके बारे में सबसे पहले ग्रोथ के बारे में बात करने वाले हैं। जब ग्रोथ का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करना, मास ऑफ सेल्स इंक्रीज करना, राइट। ओवरऑल ग्रोथ कब होती है, जब हमारा साइज बढ़ता है, हमारे अंदर के सेल्स ज्यादा डिवाइड करते हैं, उनका साइज बढ़ता है, तब हम कहते हैं हमारे अंदर ग्रोथ हुई है। हम जब पैदा होते हैं तो छोटे से बच्चे जैसे होते हैं, राइट। धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हम अडल्ट बनते हैं, और जैसे जैसे ओल्ड एज आती है, हमारा ये जो शरीर है थोड़ा सा डिक्लिनेशन की तरफ जाता है, थोड़ा सा डिग्रेड होता है, ठीक है। इंसान वापस से थोड़ा सा छोटा हो जाता है एज कम्पेयर टू वॉट इट वॉज इन देयर यंग एज, राइट। ये सारा आपके ग्रोथ का ही पैटर्न है, दिस ऑल शो ग्रोथ। क्यों होता है ये ग्रोथ, जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, उनका मास बढ़ रहा है, राइट। प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट में हमेशा ग्रोथ होती है बच्चों, प्लांट में कभी ग्रोथ रुकती नहीं है। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा पौधा हुआ है तो वो और बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे बढ़ता है, बट वो बढ़ता है। और जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो तो हर साल बहुत लंबे हो जाते हैं, राइट। लेकिन अगर हम ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स की बात करने वाले हैं तो उनकी जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन एज तक ही डिफाइंड है, उसके आगे वो नहीं बढ़ते। सोचो अगर ह्यूमंस भी बढ़ सकते तो जो लोग आज 90 साल के हैं वो कितने बड़े बड़े होते, जाइंट्स होते, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि हमारी ग्रोथ एक एज तक आके रुक जाती है, ठीक है। हमारी जो कह सकते हो हाइट है, वेट का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाइट हमारी डेफिनेटली रुक जाती है, राइट। ये आपके लगभग लोग कहते हैं 17-18 तक रुक जाती है, बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग की 21 ईयर्स तक भी जाती है, दैट्स नॉर्मल विच वी सी इन एनिमल्स इन योर ह्यूमन बींग्स। अगर हम यूनिसेलुलर सेल की बात करें, यूनिसेलुलर यानी एक ही सेल से बना हुआ सेल, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, जब भी वो डिवाइड करेगा, सेल डिवीजन करेगा, तो वो अकेला ग्रोथ नहीं कर रहा है, वो साथ साथ रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, क्योंकि वो सिंगल सेल से ही बना है। जब भी वो दो सेल का बनेगा उसमें दो ऑर्गेनिज्म निकलेंगे। तो इनके अंदर ग्रोथ केवल आपके ग्रोथ को डिफाइन नहीं करी, साथ साथ रिप्रोडक्शन को भी आपके बता रही। तो डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली क्या हो गया, वीडियो नहीं सही आ रही है बच्चों। इज वीडियो फाइन फॉर एवरीवन? देखो अगर क्लास में बेटा डिस्टर्ब करोगे तो मैं क्लास से, सिंपल सी बात है, मैं नहीं बात करूंगी इस क्लास में, क्योंकि बहुत लंबे लेक्चर्स हो रहे हैं, ठीक है, लंबे लंबे लेक्चर्स होंगे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना, ना आपका ना किसी का। तो अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो मैं क्लास से बस आपको बस यहाँ से हटा दूंगी, मैं कोई कॉमेंट आपका नहीं पढ़ूंगी फिर, ठीक है। प्लीज़ ये मत करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों का एग्जाम 4 महीने भी नहीं अब रह गए, काउंटिंग के 4 महीने भी नहीं है, अब हो जाएगी प्रॉब्लम उनको, ठीक है। चलिए, तो हम जब लिविंग बीइंग की बात करें, यस डेफिनेटली वी आर सीइंग ग्रोथ, ग्रोथ हो रही है उनमें, बट क्या नॉन लिविंग थिंग जो है वो कभी ग्रो नहीं करते, क्या वो ग्रो कर सकते हैं? इज देयर पॉसिबिलिटी कि हम ग्रोथ को लेके बता सके कि ये सिर्फ लिविंग बीइंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं? ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं जो खुद भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि माउंटेन्स। अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो हर साल उनकी जो हाइट है वो कुछ मिलीमीटर से बढ़ती है, राइट। तो ये आपका जो ग्रोथ है ये डिफाइनिंग फैक्टर इंडिविजुअली कह रही हूं, व्हेन स्टेटमेंट में जब सारे कैरेक्टरिस्टिक के साथ काउंट करेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ को आप एकोमोडेट कर सकते हो, लेकिन जब इंडिविजुअली ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ डिफाइनिंग फैक्टर नहीं बनता है आपके लिविंग बींग और नॉन लिविंग बींग का, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ डिफाइनिंग फैक्टर, दो इट इज वन ऑफ दी कहेंगे वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिफाइन अ लिविंग बींग। ओके, समझ में आया? चलिए, दूसरा है रिप्रोडक्शन। बहुत बहुत सरल सी चीज है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, प्रोड्यूसिंग देयर यंग वंस, राइट, प्रोड्यूसिंग देयर ऑफस्प्रिंग्स। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके रिप्रोडक्शन करता है, तभी वो अपनी ऑफस्प्रिंग को आगे ले जा पा रहा है। अगर उसमें रिप्रोडक्शन रोक दी गई तो वो स्पीशीज खत्म हो जाएगी, दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव ऑन द अर्थ, क्योंकि उनका आगे कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा, राइट। चलिए, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग पॉसिसिंग फीचर सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। तो वो पेरेंट के ही कैरेक्टरिस्टिक कॉपी करके आता है। रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो रहा है, वो अपने पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर अपने अंदर रखता है, तभी वो सेम स्पीशीज का बन पाता है, राइट। चलिए, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, रिप्रोडक्शन भी बहुत तरीके के होते हैं, किसी में एसेक्सुअल होता है, किसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बहुत तरीके का, जो कि हम रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें एसेक्सुअल के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, फिजन है, राइट, और नेम करिए, फिजन है आपका, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, बडिंग है, स्पोरुलेशन है, बहुत से तरीके हैं जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट है, गैमीट्स से आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इन्हीं में वेरिएबिलिटी आता है, इन्हीं में वेरिएबिलिटी आता है। तो यस, रिप्रोडक्शन इज सीन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट क्या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म आपकी रिप्रोडक्शन शो करता है? इज दिस गोइंग टू बी अ डिफाइनिंग फैक्टर? मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके रिप्रोड्यूस करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। हाँ, यहाँ पे ये दोनों चीज को डाइवर्सिफाई कर रहा है, ठीक है, दोनों चीज को डाइवर्सिफाई कर रहा है कि यस, नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है और लिविंग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये तो बनना चाहिए ना डिफाइनिंग फैक्टर, बट नहीं, दिस कांट बी अ डिफाइनिंग फैक्टर, क्योंकि रिप्रोडक्शन एज अ प्रोसेस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाइड नहीं होता है, समझ रहे हो, हर एक इंडिविजुअल पे अप्लाइड नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग हैं बट दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, वो स्टराइल हो सकते हैं, दे आर नॉट फर्टाइल इनफ टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, राइट, जैसे कि आपके ड्रोन्स, सॉरी, जैसे कि आपकी वर्कर बीज, वर्कर बीज क्या होती है, वर्कर बीज आर वॉट, यहां पे देखिए, एसेक्सुअल मीन से भी आपका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, वर्कर बीज स्टेराइल होती है, म्यूल्स स्टेराइल होते हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, दीज आर एक्सेप्शन टू रिप्रोडक्शन, बट इसका ये मतलब थोड़ी ना इनको नॉन लिविंग मान लेंगे, ये भी तो लिविंग है, दे कैन ग्रो, दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस ओनली, बट दे कैन ग्रो, दे कैन रेस्पायर, इनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी हो रही है, राइट, तो इनको हम डेड थोड़ी ना घोषित कर देंगे कि नहीं ये लिविंग नहीं है, दे आर लिविंग, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन भी आपका डिफाइनिंग फैक्टर नहीं बनता है, एक सोलो डिफाइनिंग फैक्टर नहीं बनता जो कि ह्यूमन बीइंग या लिविंग बीइंग के लिविंग कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर पाए, ओके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे हम आएंगे, पहला क्या देखा हमने, ग्रोथ देखा, दूसरा हमने देखा रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है यहां से, मेटाबॉलिज्म दो चीजों से मिलके बन रहा है, दो प्रोसेस होते हैं मेटाबॉलिज्म में, एक कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म, राइट। एनाबॉलिज्म क्या होता है, चीजों को बनाता है, छोटी छोटी चीजों को जोड़ेगा और बड़ी चीज बनाता है, और कैटाबॉलिज्म का काम है बड़ी चीजों को तोड़ के छोटी छोटी चीजें बनाना, राइट, ये दोनों मेटाबॉलिज्म में ही आते हैं आपके, उन्हों ही प्रोसेस मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट है। हमारे बॉडी के अंदर, अगर हम खुद के बॉडी का एग्जाम्पल लें, हम खाना खाते हैं, खाना खाते हैं तो खाना डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होता है, उसको तोड़ा जाता है और उससे ग्लूकोज ऑब्टेन किया जाता है, राइट, ये क्या है, एक तरह का कैटाबॉलिज्म है, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जा रहा है, इज इट क्लियर, ये आपके मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट होता है, इज अ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ऐसे ही आपके एनर्जी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस लगते हैं जिसमें एनाबॉलिज्म इन्वॉल्व होता है, तो आपका कोई भी पाथवे जब एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म से होके जाता है, इट कंसिस्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, टोटल मेटाबॉलिज्म, तो इंटरनल मेटाबॉलिज्म आपकी ह्यूमन बींग्स में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, वॉट इंटरनल मेटाबॉलिज्म, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग टू सस्टेन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्रीशन, सब एक एक प्रोसेस है जो मेटाबॉलिक प्रोसेस का ही पार्ट बनते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म देखो दो चीजों से बन रहा है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ये हर एक लिविंग बींग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता, ठीक है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर, एवरी ऑर्गेनिज्म शो सम काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इज इट क्लियर। तो यस, वी कैन से हियर दैट मेटाबॉलिज्म, इंटरनल मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फैक्टर बनता है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट हमारा वायरस, बट वायरस को हम लिविंग कंसिडर ही नहीं करते, वो तो अभी भी कॉन्ट्रोवर्सी में झूल रहा है, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर से अभी कंट्रोवर्सी में झूल रहा है, क्योंकि खुद का मेटाबॉलिज्म तो है नहीं, वो यूज किसका कर रहा, होस्ट का कर रहा है। तो ये जो एक एक्सेप्शन हम सोच भी रहे हैं, दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन फॉर दिस मेटाबॉलिज्म। तो यस, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फैक्टर, ये डिफाइन करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को कि अगर ये चीज प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एनाबॉलिज्म
एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में फटाफट से डिफरेंस देख लेते हैं। एनाबॉलिज्म का मतलब है चीजों को बनाना, बिल्डअप करना। कैटाबॉलिज्म इट ब्रेक्स डाउन द लार्ज मॉलिक्यूल। एनाबॉलिज्म बना रहा है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, कैटाबॉलिज्म तोड़ रहा है तो एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, इसमें हार्मोन्स होते हैं इस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन। यहाँ पे हार्मोन एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, ग्लूकागॉन, साइटोकाइंस, ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं। एनाबॉलिक एक्सरसाइज जनरली एनारोबिक इन नेचर होता है, ठीक है, और कैटाबॉलिक जनरली एरोबिक होता है, फैट और कैलोरीज को बर्न कर रहा है। एग्जाम्पल, अमीनो एसिड से आपके प्रोटीन बनना, दिस इज एनाबॉलिज्म। प्रोटीन से अमीनो एसिड बन जाना, दैट इज कैटाबॉलिज्म। यही मेजर डिफरेंस है आपके एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बीच में। ठीक है, वायरस का कोई अता पता नहीं कहेंगे, वायरस का तो आजकल बहुत पता है बेटा, कोविड का नाम आते सब लोग घबरा जाता है, डर जाता है, लेकिन वायरस की जो जिंदगी है वो कॉन्ट्रोवर्सी में बीत रही है। चाहे हम सेल चैप्टर देख लें, चाहे हम लिविंग वर्ड वाला चैप्टर देख लें, हम कोई भी चैप्टर में वायरस लाते हैं ना, वो कॉन्ट्रोवर्सी से घिरा होता है, राइट। चलिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, किस चीज से बॉडी बनी हुई है। ठीक है, तो सबसे छोटी लिविंग यूनिट की जब हम बात करते हैं, वी कंसिडर इज एट इट एज अ सेल। ठीक है, हम उसको सेल की तरह डिफाइन करते हैं। सबसे छोटी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, यही इसका स्टेटमेंट है जो हमने पढ़ा भी है, राइट, यही इसको डिफाइन करता है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना और सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जिससे पूरी बॉडी चल पा रही है। तो क्या सेल या सेल से ऊपर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ, क्या ये डिफाइनिंग फैक्टर बनेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का? आर नॉन लिविंग मेड अप ऑफ सेल? नो, एवरी लिविंग इज मेड अप ऑफ सेल। एक ही सेल क्यों ना हो, बट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना होगा। सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने अर्थ पे एग्जिस्ट किया होगा या एग्जिस्ट करता है, दैट इज यूनिसेलुलर। यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइनिंग फैक्टर है। यस, इट इज अ डिफाइनिंग फैक्टर। यूनिसेलुलर भी सिंगल सेल से बनते हैं, मल्टीसेलुलर मिलियंस ऑफ सेल से बनते हैं। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल हैं, यू कांट काउंट इट, इट कीप्स चेंजिंग, राइट। इतने सारे सेल बने हमारे अंदर, प्रॉपर सेलुलर, सेलुलर क्या कहें, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म लेवल तक का ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से तो बना हुआ है ही, इस बात को हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। और इसी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के कारण हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सारे प्रोसेस हो पा रहे हैं। अगर गैमीट को बनाना है तो भी सेल चाहिए, मेटाबॉलिज्म करना है बॉडी में तो भी सेल चाहिए, ग्रोथ करानी है तो सेल को ही बढ़ाना पड़ेगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट इज सेल विच इज गोइंग टू हेल्प। तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, हमने चार पॉइंट पढ़ लिए, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, देन वी केम टू, क्या पढ़ा था हमने लास्ट, हाँ, मेटाबॉलिज्म, देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनमें से दो थे जो डिफाइनिंग फैक्टर बन रहे, दो ऐसे हैं जो इंडिविजुअली डिफाइनिंग फैक्टर नहीं बन रहे, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है। ओके, चल, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस को लेके बहुत सारे लोग क्वेश्चन किए थे कि भाई ऐसा नहीं, कॉन्शियसनेस को भी डिफाइनिंग फैक्टर बोला गया है, ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे कह सकते हो डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स आए हैं जिसमें कॉन्शियसनेस को भी डिनाई किया गया है। रीजन बीइंग क्या है, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, खुद से किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना, चाहे वो फिजिकल स्टिमुलस है, ठीक है, चाहे वो केमिकल स्टिमुलस है, चाहे वो बायोलॉजिकल स्टिमुलस है, कोई भी स्टिमुलस है वो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, ये बोला गया था, एक समय डिफाइनिंग फैक्टर है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कोमा पेशेंट, कोमा पेशेंट क्या होता है, पूरे सिस्टम वेंटिलेटर पे पड़ा रहता है, ठीक है, उसको कोई होश नहीं है, वो कोई स्टिमुलस का रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसका बोलते हैं ना ब्रेन चल रहा है, ठीक है, उनके उनका अंदर का सारा बॉडी पार्ट चल रहा है, उनका सारा सिस्टम चल रहा है, बट वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो क्या उनको डेड मान ले? नहीं, वी कांट से देम डेड, ठीक है, उनको डेड नहीं कह सकते। सेम चीज आप सब ने बचपन में या बड़े होने के बाद कभी भी वो वाली कार कभी ना कभी देखी होगी ना, वो एक छोटी सी इलेक्ट्रिक कार आती, बैटरी वाली कार,
जो चलती है और दीवार आते ही अपने आप घूम जाती है। ध्यान दिया किसी ने? सपने ही देखी होगी ऑलमोस्ट। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आते है वो मुड़ जाती है, वो भी तो आपके स्टिमुलस पाके हो रहा है उसमें भी चेंज। कोई भी ऐसा स्टिमुलस वाला आप कह सकते हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस देख लें, आजकल वैक्यूम रोबोट्स आ रहे हैं राइट, वो भी तो स्टिमुलस के थ्रू आपके चेंज कर रहे हैं। ठीक है चल, एक्सटर्नल फैक्टर जैसे लाइट, लाइट सेंसिटिव चीजें हैं ठीक है, वाटर, टेम्परेचर, पॉल्यूटेंट और अदर ऑर्गेनिज्म जो कि रिस्पॉन्ड करने में आपको मदद करते हैं, दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर जो कॉन्शियसनेस को डिफाइन करने में मदद कर। ठीक है चलिए, बोर्ड पर क्लियर विजन नहीं है उमेश बेटा, अपना जो फोन जो भी आप यूज करो, फोन लैपटॉप, रिजोल्यूशन थोड़ा सा कम कर लीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है, लाइट ड्यूरेशन, फोटो पीरियड, ये सारा प्लांट को बहुत इफेक्ट करता है, आपके ईस्टर साइकिल को इफेक्ट करता है, एनिमल जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उनको इफेक्ट करता है, लेकिन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा आपके कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं जो कि इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, जैसे कि कोमा पेशेंट। ठीक है, कॉन्शियसनेस आपका एक डिफाइनिंग फैक्टर बना, लेकिन अगर हम कॉन्शियसनेस की बात करें तो यहाँ पे सेल्फ कॉन्शियसनेस को देखा जा रहा है। सेल्फ कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट योर डिफिकल्ट कंडीशन कहाँ है, कोमा पेशेंट में। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है, यहां सुनना, क्वेश्चन आता है कंफ्यूज हो गए तुम लोग, क्योंकि डिफाइनिंग फैक्टर बोला गया है ठीक है, दो इसको 100% फेवर भी लोगों ने नहीं किया है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफाइनिंग फैक्टर, और आपको ऑप्शन में मेटाबॉलिज्म ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपको कॉन्शियसनेस ठीक है, इसके पहले आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड डी ऑप्शन इज गिवन एज ग्रोथ, तो विच इज नॉट अ डिफाइनिंग फैक्टर पूछा है तो आप ग्रोथ टिक करके आओगे ठीक है, क्योंकि कॉन्शियसनेस को ग्रोथ से तो बेटर ही माना जाता है। इज इट क्लियर? तो ये चीज कभी भी कंफ्यूज नहीं करनी है, जब तक आपके पास करेक्ट आपको ऑप्शन, जब आपको मोस्ट एक्सेप्शन मिल रहा है तब तक आप इसको फेवर में रखोगे। ओके क्लियर है? क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया, बच्चे कंफ्यूज हुए हैं कि मैम ये तो लिखा हुआ है ठीक है। कोमा पेशेंट ब्रेन डेड नहीं कह सकते ना एकदम, उनकी बॉडी तो चल रही है, दे कैन फील इट बट दे कैन एक्सप्रेस इट, समझो उनका सिस्टम उनकी बॉडी को नहीं सपोर्ट कर पा रहा है मूवमेंट करने के, बट यस दे आर एबल टू अंडरस्टैंड। आपने मूवीज में भी देखा है, लोग कहते हैं ना ये कोमा में है बट ये आपकी बात सुन सकते हैं, समझो, तो ऐसा नहीं कि वो जीरो है स्टिमुलस उनका, इसीलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। आओ डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, डाइवर्सिटी की बात करें तो लिविंग वर्ल्ड में बहुत डाइवर्स लिविंग फॉर्म्स है ठीक है, बहुत डाइवर्स लिविंग फॉर्म्स है, चाहे वो माउंटेन में देख लो, चाहे वो ओशन में देख लो, चाहे वो फॉरेस्ट में देख लो, चाहे वो एक्सट्रीमिटीज में देख लें, एकदम ठंडी जगह, एकदम गर्मी जगह, सब जगह लिविंग ऑर्गेनिज्म है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, और बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम जानते हैं बट वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जैसे एक मूवी आई आइस एज, सबने सुना होगा उसका नाम एटलीस्ट, उसमें हाथी जैसा एक कैरेक्टर है मैमोथ, मैमोथ जो होते हैं वो आइसी एरिया में, आइस पोलर रीजन्स में दिखते थे पहले, अब क्या है वो खत्म हो गए, दे आर नो मोर, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बट एक समय था देवर एग्जिस्टिंग। तो डाइवर्सिटी बहुत हाई है शुरू से, और ऐसा नहीं आज कम हो गई है, अगर कोई नई कोई स्पीशीज खत्म हो रही है तो कोई बन भी रही है, इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कुछ रुक नहीं रहा इसमें ठीक है। चलिए, अभी नहीं देखे हो तो अभी देख लेना, वो हाथी जैसा ही दिखता है, उसकी उसके जो टस्क होते हैं और बड़े होते हैं ठीक है। नंबर ऑफ स्पीशीज आइडेंटिफाइड एंड स्टडीड इज 1.7 to 1.8 मिलियन। नलायक क्रोकोडाइल आज भी हैं, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो ऐसे लग रहा है 100 साल बाद की बात कर रहे हो, क्रोकोडाइल भी उड़ा दो तुम, क्रोकोडाइल आज भी है। नंबर ऑफ स्पीशीज आइडेंटिफाइड बोला है, जो अभी तक ढूंढा जा चुका है उनकी केवल बात की जा रही है, वो 1.7 to 1.8 मिलियन है, ये PYQ क्वेश्चन आ चुका है ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क करना है, बुक में जहां लिखा है उस एरिया को इंपॉर्टेंट मार्क करना है ठीक है। चल, All organisms which live on earth together make up natural diversity of life in the world generally known as biodiversity. जिनको हम biodiversity के नाम से जानते हैं। Biodiversity का मतलब क्या होता है? Biological diversity. कितने diverse living form earth पे present है
उसी को हम बायोडायवर्सिटी के नाम पे हम बोलते हैं। ठीक है? नहीं भाई, क्रोकोडाइल एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है। कौन बोला क्रोकोडाइल एक्सटिंक्ट हो गया? किसी दिन आके पकड़ लेगा, ऐसे मत बोलो। लिविंग वर्ल्ड इंक्लूड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ये सारे आपके लिविंग वर्ल्ड में आपके इंक्लूड होते हैं। ठीक है? कहेगा तुम मुझे भूल गए थे, मैं तुम्हें याद कर रहा था, लो मैं आ गया। फिर भागते फिरोगे? आ जाओ। ह्यूज अवेलेबल वैरायटी कैन नॉट बी स्टडीड एंड आइडेंटिफाइड विदाउट हैविंग अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। अब भाई डायवर्सिटी तो बहुत है, अभी जो ढूंढा गया वो भी 1/3 नहीं है प्रॉपर। ठीक है? जितने स्पीशीज हमने ढूंढे हैं अर्थ पे वो प्रॉपर 1/3 स्पीशीज भी नहीं है। ठीक है? तो सोचो कितने सारे अभी अनडिस्कवर्ड है। तो जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड है उसी से लोग परेशानी आ रही, तो बहुत सारे हैं। अगर इनके बारे में स्टडी करना है, इनको समझना है, और एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म दो लोग अगर पहचान गए और दोनों ने नाम अलग अलग रख दिया, ऐसे तो दुनिया में कभी पता ही नहीं चलेगा कितनी स्पीशीज मिली। तो भाई कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे स्पीशीज का नाम दिया जा सके, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जा सके, और सबको पता हो ये नाम, सब तक ये नाम पहुंच जाए। और कभी भी कोई भी नई डिस्कवरी करता है तो उसी सिस्टम के थ्रू आपके क्लासिफिकेशन या नोमेनक्लेचर उसका कर पाए। तो बेसिकली एक नीड पड़ी एक सिस्टम की, जो प्रॉपर एक कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हुए चीजों को डाइवर्सिफाई कर रहा है, ऑर्गेनिज्म को डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की बात आएगी। भाई इनको क्लासिफाई करना है, इनका नामकरण करना है। ठीक है? बच्चा पैदा होता है, उसको नाम दिया जाता है ताकि उसको लोग बुला पाए। हम सबका नाम है, मेरा नाम साक्षी है, आपका नाम रोज है, किसी का नाम श्रावणी है, किसी का नाम दीपा है, सबका नाम रखा गया है ताकि आपको के नाम से लोग बोल सके और आपको पता रहे कि आपको ही बुलाया जा रहा है। ठीक है? ऐसा ना हो कि सबका ही नाम गुड़िया रख दिया गया, बच्ची हुई घर में गुड़िया रख दिया गया, अब घर में 100 गुड़िया हो गई हैं, जिसको बुला रहे हैं गुड़िया ही बोल रही है, सब लोग पलट पलट के देख रहे हैं। ऐसा नहीं होता ना, सबका अलग अलग नाम रखा जाता है। ठीक है? तो क्यों किया गया? ताकि आपको पहचान दी जा सके, सब आपको उसी नाम से पहचाने। वैसे ही इन लिविंग फॉर्म्स को ही एक नाम दिया गया। ठीक है? इजी टू कॉम्युनिकेट। यस, बिल्कुल सही बात है। ठीक? अब पहली बात आई टेक्सोनमी की। ठीक है? टेक्सोनमी की, टेक्सोनमी का मतलब क्या होता है? एक सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है? एक ऑर्डर में रखा गया उनको। ठीक है? एक तरीके से उनको टेक्सोनमी में अरेंज किया गया। ठीक है? इसके बाद क्या देखते हैं, एक बुक आई थी। ठीक है? ये वर्ड जो है एक आपकी बुक थ्योरीज एलिमेंटरी डीला बोटानिक, ठीक है, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, इसमें एपी डी कॉन्डोल ने इस वर्ड को प्रपोज किया कि टेक्सोनमी शुड बी अ टर्मिनोलॉजी अकॉर्डिंग टू विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज्ड। ठीक है? प्रॉपर इनका क्लासिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन ऐसे ही किया जाएगा। ठीक है? अच्छा, क्लासिफिकेशन और टेक्सोनमी क्या होता है मैं बात करूंगी, डोंट वरी, थोड़ा सा सब्र, अगले 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा दीपा। ठीक है? 10 मिनट दो मुझे बस। ओके, वही बताने वाले हम आपको। बहुत लोग सिस्टमैटिक्स में कंफ्यूज होते हैं कि मैम टेक्सोनमी और सिस्टमैटिक्स क्यों डिफरेंट है। ठीक है? सब चीज बताते हैं। ये बुक किधर मिलता है, पहले जो बुक तुमको मिला ना वो पढ़ लो। जब ये बुक पढ़ लोगे, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर लोगे, डॉक्टर बन जाओगे, फिर आपको 100 बुक और मिल जाएगी। जब वो सारी बुक खत्म हो जाएगी तब ये बुक पढ़ना। ठीक है? क्योंकि अभी आपको डॉक्टर बनना है। अगर आप ये बनना चाहते हो तो फिर आप बॉटनिस्ट बनोगे, रिसर्चर बनोगे। ठीक है? चलो, टैक्सोनॉमी इंक्लूड स्टडी ऑफ दी फॉलोइंग। स्टडी ऑफ फॉलोइंग किस किस चीजों का, ध्यान से अब सुनना। यहां पे टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन अलग हो रहा है। पहले ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना। ठीक है? कि भाई इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है? वैसे आइडेंटिफाई करना, ये ऑर्गेनिज्म कहाँ बिलोंग कर रहा है। दूसरा, उसका नामकरण करना, उनका नोमनक्लेचर कर देना उनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से। अब नोमनक्लेचर करने के बाद कहाँ पे किस टैक्सोन में इनको क्लासिफाई किया जाएगा, डाला जाएगा, उसको डिसाइड करना। तो यानी कि क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी का पार्ट है। तो टेक्सोनमी इज अ वाइडर टर्म एज कंपेयर टू क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर पहचानना
उसका नामकरण करना, उसके बाद उसको पर्टिकुलर चीज में आपके किसी पर्टिकुलर आपके टेक्सॉन में इंट्रोड्यूस करना, वो तीनों प्रोसेस आपका टेक्सॉनमी के अंदर आता है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये तीन प्रोसेस टेक्सोनॉमी के अंदर आ रहे हैं। अब सिस्टमैटिक्स इससे बहुत ब्रॉड है, जैसे क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमी का पार्ट है, वैसे ही जब हम सिस्टमैटिक्स की बात करें तो सिस्टमैटिक्स का पार्ट टेक्सोनॉमी बनता है। ठीक है, सिस्टमैटिक और ब्रॉडर टर्म है, और ज्यादा कहेंगे आप चीजों को कवर कर रहा है। टेक्सोनॉमी में सिर्फ नॉमेनक्लेचर नहीं देखते, वहां पे क्लासिफिकेशन भी देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन भी देखते हैं। सिस्टमैटिक्स में सिर्फ केवल टेक्सोनॉमी नहीं देखते कि भाई कैसे नाम कर दिया, कैसे इनको आपने क्लासिफाई कर दिया, बस उतने से नहीं मतलब है, वो और भी चीजों को ध्यान रखता है, जैसे कि उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उनके एंसेस्ट्री से वो कैसे इवॉल्व हुए। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो कि मैच कर रहे हैं, ये सारी चीज को आपकी सिस्टमैटिक्स ने ध्यान दिया कि इस स्पीशीज में क्या यूनिक फीचर है जो बाकी स्पीशीज से इनको अलग कर रहा है, कैसा इनका ओरिजिन रहा, ये सब चीज डिस्क्राइब करने में सिस्टमैटिक्स मदद किया, जो कि टेक्सोनॉमी का भी पापा था। तो अगर हम रिलेशनशिप निकालें तो सिस्टमैटिक्स दादाजी है, टेक्सोनॉमी पापा है, और जो आपका क्लासिफिकेशन है वो पोता है। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो ये एक एक चीज को कवर करते जा रहे हैं, ऐसा है। ठीक है, चलिए, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ स्पीशीज, यूनिक प्रॉपर्टी, ग्रुप्स टू रिकॉग्नाइज, डिस्क्राइब एंड नेम एंड अरेंज द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू एन ऑर्गेनाइज्ड प्लान। ठीक है, ये आपके सिस्टमैटिक्स के अंदर कवर होता है, ये भी साइंस का ही ब्रांच है। लीनियस ने अपनी किताब में, ठीक है, यूज्ड सिस्टमा नेचुरिस, टाइटल ऑफ बुक आल्सो कॉइन्ड द टर्म सिस्टमैटिक्स इन 1751। तो ये कैलस लीनियस थे जिन्होंने नोमनक्लेचर भी दिया, जिन्होंने सिस्टमैटिक्स वर्ड भी ओरिजिनेट किया, कॉइन किया अपनी बुक सिस्टमा नेचुरी के अंदर। ये बुक का भी बहुत बार नाम पूछा जाता है, अगेन PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, लीनियस की बुक को कई बार ही पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए, सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी अक्सर लोग चेंज कर देते हैं। देखो, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं में होता है, लेकिन इनको इंटरचेंज किया नहीं जाता है, क्योंकि सिस्टमैटिक्स टेक्सोनॉमी का पापा है। ठीक है, सिस्टमैटिक्स टेक्सोनॉमी से भी ऊपर बैठता है। तो क्लासिफाई करना ऑर्गेनिज्म को उनके टैक्सा में, वो टेक्सोनॉमी है, उनको पहचानना, उनको क्लासिफाई करना, उनका नाम देना। लेकिन सिस्टमैटिक्स इसको करने के अलावा फाइलोजेनी का भी ध्यान रखता है कि उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा रहा, उनकी हिस्ट्री कैसी रही है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर मिला देंगे तो टेक्सोनॉमी बनता है, और टेक्सोनॉमी और फाइलोजेनी मिला देंगे तो सिस्टमैटिक्स बनता है। समझ गए? तो ब्रॉडर टर्म्स हैं ये। सबसे ब्रॉडर टर्म कौन है? सिस्टमैटिक्स, उससे छोटा टेक्सोनॉमी, सबसे छोटा क्लासिफिकेशन। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस और नो? यस और नो? यस और नॉट कह रही हूं। हां जी, बिल्कुल नीट क्रैक हो सकता है बेटा, लेकिन अब वक्त सवाल पूछने का नहीं, अब अपने लिए कुछ अपना अगर सपना पूरा करना तो उसके लिए काम करने का। ठीक है, क्लासिफिकेशन पे आते हैं। वी हैव कम टू क्लासिफिकेशन, आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग डिस्टिंक्शंस अमंग। देखो, क्लासिफिकेशन के पहले हम बता दें, कोई कंफ्यूजन है अभी तक जो पढ़ा? सब समझ में आया? ठीक है बच्चों, मैंने अभी आप क्लास के स्टार्टिंग में बोला था ना, ठीक है, क्लास के स्टार्टिंग में बोला था, अगर चैप्टर जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रही हूँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए, जब मैं पूछ रही हूँ आपसे जैसे अभी। लेकिन अगर आपको कोई और डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज एंड ऑफ द सेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं। सब चीज को मिक्स मत करो, खिचड़ी बन जाएगी। हम बायोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं ना, हम खिचड़ी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। तो लेट्स स्टडी वन बाय वन, ओके? तो बात समझिए बेटा, टाइम से पहले तो आएंगे, कल से 3 बजे की क्लास है, 3 PM ही आएंगे, क्योंकि अगर छूट जाएगा वन शॉट में भी तो बेटा आप किस तरह पढ़ाया जाए, बात वही बचेगी ना, किस तरह पढ़ाया जाए। तो टाइम से आना पड़ेगा, आप कल से टाइम से आएंगे ना। अब चलिए आ जाइए,
उमेश बेटा, वन शॉट का मतलब आप समझते हैं? मुझे बताइए, डू यू अंडरस्टैंड द टर्म वन शॉट? वन शॉट का मतलब है पूरा चैप्टर एक बार में पढ़ाना। तो यहाँ पे क्वेश्चंस की बात कैसे आ गई? बताइए, आपने टॉपिक पढ़ा आज का? मैं बार बार कह रही हूँ, प्लीज क्लास डिस्टर्ब मत करो। अब मैं लास्ट बार कह रही हूँ, अगर मुझे कोई भी बच्चा ऐसे बदमाशी करते मिलेगा, मैं क्लास से हटा दूंगी। आप बात करो अपने फ्रेंड से, बट मैं आपके कोई भी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करूंगी, ठीक है? हाँ, सब कराऊंगी भाई, पीवाईक्यू भी कराऊंगी, क्वेश्चंस भी कराऊंगी, बोला है ना, एक एक चीज कराऊंगी, लेकिन थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। पहले चैप्टर कंप्लीट कर लो, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो आपको कहोगे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो कहोगे क्वेश्चन करा दीजिए, तो ऐसे खिचड़ी बनेगी, बायोलॉजी नहीं पढ़ोगे, ठीक है? चलिए, अब आगे जो बच्चे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, बच्चों थोड़ा सा आपको मैम की मदद करनी पड़ेगी, थोड़ा सा उनको एक बार बोल दीजिएगा कि एंड ऑफ द सेशन मैम से पूछ लीजिए, ठीक है? आर्ट ऑफ आइडेंटिफाई डिस्टिंक्शंस अमंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लेसिंग देम इनटू ग्रुप्स दैट रिफ्लेक्ट देयर मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर इन रिलेशनशिप इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है? उनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उनको पहचानना और उनको पर्टिकुलर ग्रुप में रखना, उनके फीचर्स उनके रिलेशनशिप के थ्रू, इसी को हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्यों जरूरी है क्लासिफिकेशन करना? पहला, ऑर्गेनिज्म को पहचानना इजी हो जाएगा। सपोज कर लो किसी जमाने में, कभी भी, बहुत साल पहले, जब भी आपके माउस को डिस्कवर किया गया था, ठीक है? तो माउस, माउस तो एक होते हैं माइस, एक होते हैं छछुंदर, राइट? अलग अलग तरह के, इसी तरह के ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक को तरीके से नहीं पढ़ा गया, तो सब लोग उसी को माउस बुलाएगा, सब, बड़ा माउस, छोटा माउस, सबसे छोटा माउस, लेकिन तीनों अलग हैं, तीनों अलग चीज हैं। कैसे? उनके कैरेक्टरिस्टिक से उनको पहचानना पड़ेगा, ठीक है? उनको पहचानना कैसे पड़ेगा? उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है कि भाई ये चूहा है, ये छछुंदर है, चूहा और छछुंदर को मिक्स मत करो। नेक्स्ट, न्यू ऑर्गेनिज्म इजिली गेट करेक्ट प्लेस इन देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप। कोई नया ऑर्गेनिज्म अगर आपके किसी ने डिस्कवर किया, तो उसको इसी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, इसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उनको उनके टैक्सा में डाला जा सकता है कि भाई ये क्वालिटीज हैं, अच्छा इस टैक्सा से ये बिलोंग कर रहा है, अच्छा चलो इसको इसी में डालना पड़ेगा। मेक्स फॉसिल्स स्टडी इजी। बहुत सारे हमारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स जो अब नहीं रहे हैं, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनके फॉसिल्स मिलते हैं रॉक्स में, उस कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ के भी उनको बताया जा सकता है कि वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, वो किस कैटेगरी में फॉल हुए और उनसे किसका इवोल्यूशन हुआ, ठीक है? चल, ऑल्सो हेल्प्स इन इवोल्यूशनरी पाथवे ट्रेस करने में कि किसने किसको इवॉल्व करने में मदद किया। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स था, वो बर्ड्स और रेप्टाइल के बीच का कनेक्टिंग लिंक था, राइट? उनका फॉसिल मिला था, वो बर्ड नहीं मिली थी, बर्ड कह लो चाहे जो भी कह लो, उन दोनों के बीच का ही था, रेप्टाइल और बर्ड्स के, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक रखता था, वो इवोल्यूशन करने में मदद किया कि भाई रेप्टाइल से बर्ड का इवोल्यूशन हुआ, ये इस बात का प्रतीक है, ठीक है? बिकम्स इजी टू नो द फीचर्स ऑफ होल ग्रुप बाय स्टडिंग वन और टू ऑर्गेनिज्म ऑफ द ग्रुप। एक दो ऑर्गेनिज्म भी अगर किसी पर्टिकुलर टैक्सा के आप पढ़ लिए, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा इस ग्रुप में क्या क्या फीचर्स होंगे। इज इट क्लियर? तो इसलिए क्लासिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। एक तो पहला, कंफ्यूजन करना दूर, कंफ्यूजन ना रह जाए भाई, सब साइंटिस्ट अपने हिसाब से बना रहे हैं सबका नाम, राइट? कि कोई किसी को कुछ कह रहा है, किसी को कुछ कह रहा है। अगर एक पर्टिकुलर आपके कंडीशंस दी गई, उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफिकेशन किया गया, तो यस, आप सही जगह उसको डाल रहे हैं, ठीक है? जब आप कोई कुकिंग, कोई भी खाना बनाता है, तो उसमें लिखा रहता है ना कि रेसिपी क्या क्या है, ये करना है, वैसे क्लासिफिकेशन में आपके सारे फीचर्स को कैसे डाइवर्सिफाई, क्लासिफाई करना है, वो लिखा होता है, उसके अकॉर्डिंग उनको उस टैक्सोन से बिलोंग करवा दिया जाता है, ठीक है? बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक ऑल ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट टेक्सा। अब देखो, टेक्सोनमी क्या था? क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। टेक्सा क्या है? एक पर्टिकुलर आपके लेवल को टेक्सा कहते हैं। वो कोई भी लेवल हो सकता है, चाहे वो स्पीशीज लेवल हो, चाहे वो ऑर्डर लेवल हो, चाहे वो फाइलम लेवल हो, चाहे वो किंगडम लेवल हो, चाहे वो फैमिली लेवल हो, हर एक लेवल को टेक्सा बोला जाता है, ठीक है? इन जनरल
इन जनरल सबको टेक्सा बोला जाता है, सबका लेवल अलग अलग है, सबकी रैंकिंग अलग अलग है, ठीक है। सिस्टम ऑफ नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ वे दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा सिस्टम बनाना जिससे उस ऑर्गेनिज्म का नाम पूरी दुनिया में, जो भी नाम है, जो भी लोग हैं उसको ढूंढे या उसको देखे, सेम ही नाम से जाने, ठीक है। ऐसा तो नहीं ना आपका यहाँ पे मेरा नाम यहाँ साक्षी है तो मुझे अमेरिका में कुछ और बुलाया जाएगा, ठीक है, इजिप्ट वाले कुछ और बुलाएंगे, नहीं, मेरा हर जगह नाम साक्षी कहलाएगा, मुझसे पूछा जाएगा तो आई विल टेल साक्षी, राइट। वैसे ही आपके जो ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैं उनको भी एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है ताकि वो आइडेंटिफाई हर जगह सेम ही तरीके से किया जा सके। तो इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए कि भाई ऐसा है, कुछ रूल्स बन रखते हैं, इस रूल्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे तो कभी भी कोई भी इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, इससे आपके लीक से हट के काम नहीं करेगा, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर में दो तरह के नाम रखे गए, एक तो लोकल नेम, ठीक है, एक तो लोकल नेम, जैसे आप सांप देखते हो, कोई कह देगा अरे सांप है, कोई कहेगा अरे करेत है, अरे कोई कहेगा कोबरा है, ठीक है, कोई कहेगा शेषनाग है, पूजा ही करने लगेगा, राइट। लेकिन उसका रियल जो बोटैनिकल नेम है वो क्या है, नाजा नाजा, ठीक है, अब नाचने मत लगना गाना सुन के, क्या है नाजा नाजा बोलोगे तो जितने भी आपके बायोलॉजिस्ट हैं अलग अलग दुनिया में जहाँ जहाँ भी प्रेजेंट है सब उसको समझ जाएंगे, अरे कौन सा जानवर है, कैसा दिखता होगा, सांप कहोगे तो कोई नहीं पहचानेगा। तो दो तरह के नाम होते हैं, एक लोकल जैसे आपके घर का नाम होता है, आपके कितने भी अच्छे अच्छे नाम यहाँ दिख रहे हो, ठीक है, जैसे रोज दिख रही है, मुस्कान दिख रही है, काव्या दिख रही है, बट घर में क्या नाम होगा, घर में हो सकता कोई कह रहा हो छुटकी, कोई कह रहा हो छोटू, कोई कह रहा हो गुड़िया, कोई कह रहा बाबू, कुछ अलग अलग नाम रखा गया हो सबका, राइट। तो वो क्या उनका लोकल नेम है जो प्यार से बुलाते हैं वहाँ के लोग, ठीक है। देखो मेरे स्कूल का घर का नाम पीहू है, रोज के घर का नाम पीहू है, स्कूल का नाम अर्शी है, समझ रहे हो। तो देखो एक लोकल नेम रखा गया है जो सिर्फ वहां के लोग बुला सकते हैं, ठीक है। चलो लोकल नेम लोकल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं, ऐसे आप बहुत सारे प्लांट देखते हो जिनको लोकल लैंग्वेज में इंडिया में ही अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। जैसे लौकी है, नॉर्थ में लौकी बोला जाता है, बहुत जगह घिया बोला जाता है, अब अंग्रेज लोग बॉटल गार्ड कहते हैं, ये सब लोकल नेम्स है, कोई भी इसमें साइंटिफिक नेम नहीं है, सब लोकल नेम्स है, ठीक है। एक ही चीज है, उसके नाम इतने रख दिए गए, दैट्स वाई लोकल नेम फॉर लोकल पीपल, बट इसको हम यूज नहीं कर सकते सबके लिए क्योंकि सब अपना अपना नाम यूज करेंगे कि भाई मैं तो लौकी ही बुलाऊंगा, दूसरा कहेगा नहीं मैं घिया ही बुलाऊंगा, मैं नहीं बुलाऊंगा लौकी, दूसरा कहेगा भाई इट्स बॉटल गार्ड, वी कांट कॉल इट लौकी, राइट। तो सबको अपना अपना करना होगा, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी सेम फॉर एवरी वन, सब कहेंगे हम अपने लैंग्वेज में रखेंगे, कोई कहेगा हम अपने लैंग्वेज में रखेंगे, ठीक है। तो सिंगल लोकल नेम एक ही स्पीशीज को कई नाम से बुलाते हैं। लोकल नेम समवॉट लीड इन करेक्ट मीनिंग अबाउट द ऑर्गेनिज्म, लोकल नेम से कभी भी मीनिंग नहीं निकलता कि कोई क्यों रखा गया उसका नाम लौकी, आज तक पता है किसी को नहीं, बॉटल गार्ड तो एक बार समझ में भी आता है कि चलो वो बॉटल शेप का, लौकी क्यों नाम रखा गया लौकी का, कोई मीनिंग नहीं उसका। डिफरेंट लोकल नेम्स आर यूज टू रिकोगनाइज ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो लोकल नेम भी एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, इनकी लैंग्वेज भी वैरी करती रहती है, इसलिए कभी भी एक कॉन्क्लूजन पे कोई नहीं पहुंचेगा, ठीक है। हाँ लेडी फिंगर भिंडी है, यहाँ साउथ में ओकरा बुलाते हैं उसको, ठीक है। तो अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। नेक्स्ट आएगा साइंटिफिक नेम जो कि आपका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इज इट क्लियर, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है। नहीं बेटा मैं साउथ से हूं नहीं बट साउथ में रह रही हूँ, ठीक है। अब जहां रहेंगे वही है यार, हम इंडिया से हैं, कहीं भी रहें जहां पहुंच जाएं। अ साइंटिफिक नेम इज गिवन बाय बायोलॉजिस्ट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। साइंटिफिक नेम बायोलॉजिस्ट लोग ने मिल के दिया कि भाई एक कंक्लूजन पे आते हैं, इसका ऐसा नाम रखते हैं जो हर साइंटिस्ट बुला सके, ये ओकरा भिंडी अगर हम याद करने लगे फिर जन्म निकल जाएगा इनका नाम ही याद करने में, ठीक है। चलिए साइंटिफिक नेम को अगर रखना है तो कुछ रूल सेट की, पहले तो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इंग्लिश यूएस वाले का इंग्लिश में रखेंगे, इंडिया वाले का हिंदी में रखेंगे, ठीक है।
चाइना वाला क्या चाइनीज में रखेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी लैंग्वेज जो सब लोग एक्सेप्ट करें, ठीक है। असाइंड ऑन अग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया, उनका पर्टिकुलर क्राइटेरिया और प्रिंसिपल होने चाहिए, ठीक है। डिफरेंट फॉर ईच स्पीशीज, कोई भी स्पीशीज का नाम सेम नहीं हो सकता, अलग अलग स्पीशीज का अलग अलग नाम होगा, ऐसा नाम हमें चुनना पड़ेगा, ठीक है। चलो, इन रूल्स को जब सेटअप किया गया तो एक ऐसी लैंग्वेज निकली जो कि आपकी यूनिवर्सली एक्सेप्ट की गई, जो कि ज्यादातर अब यूज ही नहीं होती। कौन सी लैंग्वेज थी वो, कौन सी लैंग्वेज थी बताइए। हाँ, इट वॉज लैटिन लैंग्वेज, वेरी गुड, इट वॉज लैटिन लैंग्वेज। लोगों ने एक्सेप्ट किया कि भाई ये ज्यादा तो बोली नहीं जाती, चलो इसी को चुन लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरलस लीनियस ने ही डिस्कवर किया था, सेम सिस्टमैटिक्स के साथ, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, एक किसी भी चीज का नाम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बेसिस पे होगा, यानी दो चीजें होंगी उसके नाम के अंदर, दो वर्ड्स होंगे उसके नाम के अंदर। जैसे मेरा पूरा नाम है साक्षी बरनवाल, साक्षी इज माई फर्स्ट नेम, बरनवाल इज माई सर नेम, राइट। वैसे ही यहाँ पे भी दो नाम होंगे और दोनों कुछ ना कुछ सिग्निफाई कर रहे होंगे, ठीक है। लीनियस ने अपने बुक्स में ये सब चीजें बताई हैं, अगेन सिस्टम ऑफ नेचुरी और स्पीशीज प्लैनेटेरियम, इसमें सारी चीज मेंशन्ड है। प्लीज आप बुक मत पढ़ने जाइएगा, बहुत बड़ी बुक है, ठीक है। और अभी आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, बायोलॉजिस्ट बनना तो अलग बात है, तब आप पढ़ सकते। इन्होंने कहा दो वर्ड का नाम रखेंगे, ठीक है, इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को अलग अलग आपके कह सकते हैं सेक्टर्स ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि बायोलॉजी एक चीज से नहीं बनी है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच आर कंक्लूडेड इन दिस। तो आईसीबीएन को एग्जाम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, ठीक है। आईसीबीएन जो बोटैनिकल नोमेनक्लेचर था वो आईसीबीएन के अकॉर्डिंग रखा गया, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। जो आपके एनिमल्स थे उनको जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर दिया गया, इंटरनेशनल कोड। ये सारे फुल फॉर्म्स आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। बैक्टीरिया को आईसीबीएन ने आइडेंटिफाई किया, नेम दिया, नोमेनक्लेचर दिया, ठीक है। वायरस को वायरल नोमेनक्लेचर मिला, और आपके कल्टिवेटेड क्रॉप्स को, प्लांट को भी एक अलग सेगमेंट दिया गया। ये वाला इतना आएगा नहीं, डोंट वरी, ये चार आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इज इट क्लियर। इस नोमेनक्लेचर में रूल बनाया गया, यूनिवर्सल रूल, सबको मानना पड़ेगा, कोई नहीं माना तो भाई फिर तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब मान रहा है, ठीक है। आओ देखें, पहला रूल था कि भाई जो लैंग्वेज यूज होगी वो लैटिन होगी, ऐसी लैंग्वेज जो सब लोग एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई चलो ठीक है, लैटिन लैंग्वेज स्टिल एक्सेप्टेबल। और जब भी उस नोमेनक्लेचर को लिखा जाएगा, कहीं पे प्रिंट करवाया जाएगा, प्रिंटिंग मेनली, तो वो इटैलिक्स में लिखाएगी। इटैलिक्स एक थोड़ा सा इंग्लिश का ही, इंग्लिश को जब हम थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा लिखते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कई जगह ऐसे लिखावट होती है, ठीक है, देखा है ऐसा टेढ़ा लिखते हैं लोग, दैट इज इटैलिक्स, ठीक है। अभी मैं लिख नहीं पा रही, मुझे इतना नहीं आता, ठीक है, इटैलिक्स में लिखना होगा। अगर प्रिंट हो रहा है तो इटैलिक्स में, अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन होना चाहिए। हाँ, कर्सिव राइटिंग की तरह ही होता है, बिल्कुल सही बात है, बहुत हद तक कर्सिव राइटिंग ही होता है इटैलिक्स। पहला वर्ड जो होगा नोमेनक्लेचर में वो जीनस बताता है उस ऑर्गेनिज्म का, और दूसरा वर्ड उसका स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट बताता है। तो यानी ये जो दो वर्ड है दोनों का ही मीनिंग है, पहला वर्ड जीनस बता रहा है, दूसरा वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट बता रहा है। नेक्स्ट रूल था, अगर हैंड रिटन लिखा गया तो इसको अंडरलाइन किया जाएगा, इस पूरे नेम को अंडरलाइन किया जाएगा, क्योंकि हाथ से इटैलिक्स नहीं लिख सकते, और अगर प्रिंट करवाया गया तो इटैलिक्स में ही प्रिंट होगा। इसलिए आपके बुक में जहां पे भी नोमेनक्लेचर प्रिंटेड है वो इटैलिक्स में ही प्रिंटेड है, आपके एनसीईआरटी में भी। फर्स्ट वर्ड आपका जीनस कैपिटल लेटर से शुरू होगा, पहला वर्ड, और स्पीशीज का नाम स्मॉल से ही रहेगा। जैसे ये मैंगो है, दिस इज मैंगो, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा का एम कैपिटल है, बाकी सब कुछ छोटा होगा, एवरीथिंग विल बी इन स्मॉल लेटर, ठीक है।
Name of categories higher than the rank of genus are not printed in italics. Bold letters can, however, be used. जीनस के ऊपर की रैंक्स के जो नाम है उनको इटैलिक्स में लिखना जरूरी नहीं है, जीनस तक मैंडेटरी है। जीनस और स्पीशी दोनों ही इटैलिक्स में मैंडेटरी, उसके ऊपर के नाम आप इटैलिक्स में नहीं भी लिखते हो तो चलेगा, लेकिन बोल्ड होना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए, व्हेन ए स्पीशीज इज ट्रांसफर्ड और रिवाइज द नेम ऑफ ओरिजिनल वर्कन इज रिटेन्ड बट इन पैरेंथेसिस। ठीक है, जब कोई भी स्पीशीज ट्रांसफर या रिवाइज हो रही है, ये वाला जो रूल है इतना आपको नहीं याद करना है, वैसे जरूरत नहीं है। एक और रूल आया था कि अगर कोई जिसने भी उस नाम को डिस्कवर किया, अगर वो अपना नाम भी आगे ऐड करना चाहता है, तो वो साइंटिस्ट अपने नाम का शॉर्ट फॉर्म भी ऐड कर सकता है। जैसे मैग्निफेरा इंडिका में लीनियस ने डिस्कवरी के बाद मैग्निफेरा इंडिका लिन लिखा था, तो लिन हम नहीं लिखते हैं, वो ऑप्शनल होता है, वो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, क्या एडवांटेज हुआ बायनोमियल क्लासिफिकेशन का? यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो गया, तो अब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता था। सेम इन नॉन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज यूज हो गई तो सबके लिए सेम हो गई। स्मॉल एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मैकेनिज्म टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू एवरी न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म। कोई भी नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया जा रहा था, अब उसका नाम रखना बहुत आसान हो चुका था। नेम इंडिकेट्स रिलेशनशिप ऑफ स्पीशीज विद अदर स्पीशीज प्रेजेंट इन सेम जीनस। एक ही जीनस के अगर दो स्पीशीज हैं तो उनको रिलेट करना बड़ा ईजी हो गया था, क्योंकि उनके नाम में ही उनकी स्पीशीज का नाम भी छुपा था। जीनस सेम रहता था, स्पीशीज का नाम अलग अलग रहता था, तो समझ में आ जाता था ये सेम जीनस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज अब नहीं बोलते बेटा, लैटिन लैंग्वेज दे हैव स्टॉप्ड यूजिंग। A new organism can be easily provided with a new scientific name. बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अब बहुत ज्यादा नहीं चलता, लैटिन बहुत रेयर लैंग्वेज है। चलिए, अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बाद में बात करेंगे। किसको किसको इसका नाम याद है, सच सच बताना मुझे, ऐसे देख के मत बताओ। किसको ऐसे पूछूंगी रैंडमली तो बता दोगे, और किसको इसको नहीं याद हो रहा अभी तक? हाँ, इट्स अ डेड लैंग्वेज, लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है श्रावणी। मरी हुई लैंग्वेज मत बुलाओ बेचारे को, डेड लैंग्वेज। हाँ ठीक है, तुम तो अनुवाद कर दोगी हिंदी में एकदम। किसको नहीं याद है ये बताओ मुझे, टेल मी फटाफट से, जल्दी बताए किसको इसको नहीं याद रहता है। मेरी ट्रिक से याद है, बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है उनका पूछ रही हूँ। सबको पता है, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक तो वो डिशेज वा प्लेट्स क्लीन वाला ट्रिक अलग है, कीप प्लेट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, वो अलग है, निमोनिक। ठीक है, मेरा क्या है इसके ऊपर डोमेन भी आता है, कई बार डोमेन भी याद करना पड़ता है। तो मैंने कैसे याद किया था, दो किंग पैलेस में चेस और फुटबॉल गेम सीखे। ठीक है, ओके, अपना अपना तरीका आप याद कर लो, जैसे भी आपको याद हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, टर्म टैक्सोन जो इंट्रोड्यूस किया गया था, आईसीबीएन ने इंट्रोड्यूस किया था 1956 में। 1964 में मेयर ने टैक्सोन को डिफाइन किया कि एक टैक्सोन में ग्रुप ऑफ एनी रैंक दैट इज सफिशिएंटली डिस्टिंक्ट टू बी वर्दी फॉर बीइंग असाइंड अ डेफिनेट कैटेगरी। तो टैक्सोन को एक पर्टिकुलर कैटेगरी बोला गया कि किसी भी कैटेगरी को अगर असाइन किया जा रहा, कोई भी रैंक असाइन की जाएगी, तो उसको टैक्सोन के नाम से इन जनरल बोला जाएगा। ठीक है, हाँ, कीप पॉट क्लीन, कीप प्लेट्स क्लीन, अलग अलग है सबका। ठीक है, फाइलम में डिवीजन भी होता है, बिल्कुल सही बात है, फाइलम में डिवीजन भी होता है, सही बात है बेटा। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो, सिस्टम ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इन डिफिनेट सीक्वेंस ऑफ वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज अरेंज्ड इन प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब वर्ड आया है हायरार्की।
पहले के जितने भी हमने मूवीज देखी, हमने राजा लोग को देखा तो नहीं, ऐसे पढ़ा है उनके बारे में हिस्ट्री में या मूवीज में देखा है, राइट? तो पहले के राजा लोग के पास थोड़ी ना होता था कि कोई भी प्रॉब्लम हुई राजा उठे और चले चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते, वो कभी कभी होता था। उनके किंगडम में प्रॉपर हायरार्की थी, सबसे ऊपर राजा बैठते थे, फिर मंत्री, फिर सिपाही, उनका जो सेनापति होगा वो बैठेगा, फिर सिपाही, उसके बाद आम जनता, ऐसे रहता था ना ये ऑर्डर है। ये क्या होता है, रैंकिंग है उनकी, हायरार्की सिस्टम है, बड़े से छोटा। सेम चीज हैपेंड इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, सबसे बड़ा होता है किंगडम, डोमेन जनरली पूछा नहीं जाता है, किंगडम से ऊपर डोमेन माना जाता है, बट ठीक है, किंगडम सबसे ऊपर होता है, फिर फाइलम, उससे छोटा होता है क्लास, उससे छोटा ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस एंड देन स्पीशीज, और इन्हीं दोनों के मार्फत से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बनता है, ठीक है? लास्ट के दो, इन्हीं के मदद से आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बनता है, ठीक है? ये आपका कैटेगरीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट टैक्सॉन्स हैं, इसको हम हायरार्की कहते हैं, असेंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटा। तो जैसे जैसे आप नीचे आएंगे वैसे वैसे चीजें और छोटी होती जाएंगी, ठीक है? वो जातिवाद बस करो, जातिवाद का तो नाम भी मैंने नहीं लिया, कुछ भी बोलना है, वो कैटेगरी थी भाई, कौन कितना सक्षम है। अब तुम डॉक्टर, एक एक घर में एक बच्चा डॉक्टर है, हाँ, दूसरा बच्चा दुकान में बैठता है, तो तुम कहो कि जातिवाद कर रहे हैं, उसको डॉक्टर बना दिए, उसको दुकान बैठा दिए, उसका मन था भाई, जबरदस्ती है कुछ भी। चलो, हायरार्की इंक्लूड सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरीज, ये सारे सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरीज। पहला, हम सबसे छोटी और बेसिक यूनिट ऑफ हायरार्की, दैट इज स्पीशीज, ठीक है? यूनिट, ये यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी है, क्योंकि सबसे छोटा यही है स्पीशीज, लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। मेंबर्स ऑफ स्पीशीज कैसे होते हैं, दे कैन इंटरब्रीड, जैसे होमो सेपियंस है, जो सेपियंस है दे कैन इंटरब्रीड, दे कैन फ्रीली इंटरब्रीड, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, दे आर अलाउड, लेकिन वो किसी दूसरे स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म से कभी भी ब्रीड नहीं करेंगे, दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, ठीक है? ऐसा नहीं होता है, जो पढ़ा नहीं वो दुकान में बैठा, रहे उसको बिजनेस का मन था, उनने बिजनेस किया, जिसको डॉक्टर मन था डॉक्टर बना, ये थोड़ी ना होता जिसको पढ़ना नहीं होता तो वो जाएगा दुकान में बैठने, ये तो बहुत गलत बात है भाई। जिसके अंदर जो टैलेंट है, आप टैलेंट कह दोगे अब कि नहीं तुम्हारा टैलेंट तो कमजोरों वाला है, कर लो तुम हिसाब किताब में, 2 ही दिन में अभी पंचर हो जाएगा तुम्हारा, हाँ, कि मम्मी अभी कह रही है 28 + 47, 2 मिनट सोचो, कह रही क्या करना है इसका बेटा, वो बढ़ेगा वो भी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, डॉक्टर की चेयर पे बैठना, चलो आ जाओ, पहले पढ़ लो फिर बैठना, अभी बैठने चले जाओगे तो पढ़ाई रह जाएगी पीछे। एग्जाम्पल क्या है, मैग्निफेरा इंडिका, इंडिका आपका क्या है, मैंगो का ही स्पीशीज नेम है, सोलेनम ट्यूबेरोसम, ट्यूबेरोसम पोटैटो का, पैंथरा लियो, लियो लायन है, राइट? ये क्या है, ठीक है, वो क्या है स्पीशीज का नाम। नेक्स्ट इसके ऊपर आएगा जीनस, जो दो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में नाम थे, सेकेंड वाला स्पीशीज था, फर्स्ट वाला जीनस था। जीनस का मतलब है ग्रुप ऑफ सिमिलर रिलेटेड स्पीशीज, ठीक, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, सॉरी, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, जिन स्पीशीज के कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर दिख रहे हैं उनको एक जीनस में डाल दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है पोटैटो और ब्रिंजल, दोनों का जीनस सेम है सोलेनम, बट दोनों की आपकी स्पीशीज का नाम अलग है, पोटैटो सोलेनम ट्यूबेरोसम है, ब्रिंजल सोलेनम मेलोजेना है, ठीक है? ऐसे ही आपके लायन टाइगर, इनकी बात करें तो पैंथरा इनका जीनस है, लेकिन इनके जो स्पीशीज नेम है वो अलग अलग है, किसी में लियो है, किसी में टिग्रिस है, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पीशीज, ओके? तो जीनस क्या होते हैं, रिलेटेड स्पीशीज को हम जीनस कहते हैं, ठीक है? अब जैसे आपको डॉग्स है, डॉग्स की कई ब्रीड मिलती है ना, एक तरह के कुत्ते तो नहीं दिखते, बहुत तरह के, रोड वाले अलग दिखते हैं, जर्मन शेफर्ड अलग दिखता है, लैब्रेडर अलग दिखता है, राइट, पामेलियन अलग दिखता है, गोल्डन रिट्रीवर अलग दिखता है, राइट, सब अलग अलग तरीके के, इज इट क्लियर?
नेक्स्ट इसके ऊपर आएगा फैमिली, परिवार। ठीक है, कौन आएगा भाई? परिवार। स्पीशीज आया, जीनस आया, फिर आया कौन? फैमिली। हाँ पिटबुल याद आएगा बेटा, दौड़ाएगा ना ऐसा, आ जाओ। याद भी कौन सा कुत्ता रहा? पिटबुल। तुम लोग थोड़ा सा ना मजा ले लो बस, अब सारा, हाँ सब ब्रीड लिख दो, तुम लिख दो हस्की और कौन कौन चाहिए। चलिए फैमिली कौन होता है आपके घर में? मैं तो कभी नहीं आने वाली तुम्हारे घर, इनवाइट करोगे तो भी नहीं आऊंगी, कहोगे मैं इनवाइट ही नहीं करूंगा, कौन बुलाएगा। हाँ चलिए, फैमिली क्या है? हमारे जेनरा से ऊपर, यानी जो सिमिलर रिलेटेड जेनरा होंगे वो मिलके क्या बनाते हैं? फैमिली बनाते हैं, वो मिलके फैमिली बनाते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस को फैमिली कहा जाता है। ठीक है चलिए, हम भी पेट्स, आई एम पेट रिपेलेंट रियली, मैं पेट्स देखते ही भाग जाती हूँ, आई एम सो स्केर्ड ऑफ पेट्स, चाहे वो कोई भी पेट हो, एनी पेट। अगर आपने चिड़िया भी पाल, चिड़िया तो चलो फिर भी बंद रहती है, आपने खरगोश भी पाला ना तो मैं नहीं जाऊंगी, मुझे इतना पेट से डर लगता है, आई डोंट नो व्हाई। चलो, कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। बच्चों यहां पे बहुत ध्यान से देखना, यहां पे इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर को ध्यान में रख के फैमिली को आपके बनाया गया है। जो जीनस आपके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर सिमिलर शो करते हैं वो एक फैमिली में आ जाते हैं। ठीक है, वो एक फैमिली में आ जाते हैं। ठीक है, फैमिली का जो सफिक्स होता है एंड में यूज होता है उसको एसी से आपके एंड किया जाता है, एई से एंड किया जाता है। ठीक है, एई से एंड किया जाता है, ये याद रखना, प्लांट फैमिली में। ठीक है, और सब फैमिली ईडी से एंड होता है। ठीक है, एनिमल का सफिक्स आपके आईडी से एंड होता है। ठीक है, जैसे कैनिडी। ठीक है, ये सारे आपके क्या है, क्या है, फैमिली के नाम है। सोलनेसी ये प्लांट का नाम है, एंड एई से होता है। ठीक है, ये आपका सफिक्स आपको याद रखना है, सब फैमिली का तो सफिक्स नहीं पूछता है बट फैमिली का सफिक्स जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट अगेन मार्क करना है, देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये निकाल लो, बाद में लगेगा अरे मैम ये तो इसमें बीच में छुपा हुआ था, मैं दिखाई नहीं। ठीक है, बाद में बीच में छुपा था दिखा नहीं, ऐसे मत करना। तो फैमिली का नाम कैसे एंड होता है, एई से, और एनिमल की एंडिंग क्या होती है, आईडी से। जैसे कि हम फैमिली सोलनेसी की बात करें तो सोलनेसी में सोलेनम भी आता है, सोलेनम और सोलनेसी अलग अलग चीज है, एक जीनस है एक फैमिली है, दोनों को एक मत बना देना। पिटूनिया भी आता है और धतुरा भी आता है, ये तीनों आपके जीनस जेनरा आपके एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आएंगे ऑर्डर, फैमिली के ऊपर आ जाता है ऑर्डर लोगों का, कि भैया एक बड़ी कैटेगरी है ऑर्डर जो कि सिमिलर फैमिलीज को एक साथ रखता है, जिस फैमिली में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कार्निवोरा, कार्निवोरस होंगे, इसमें कुत्ते भी आते हैं, बिल्लियां भी आती हैं, ठीक है, बेयर भी आते हैं, हाइना भी आते हैं, ये सारे कार्निवोरा को बिलोंग करते हैं क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक मैच करते हैं ऑन द लेवल ऑफ फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे क्लास, ऑर्डर से और ऊपर जाएंगे तो आपका आएगा क्लास, अब ये क्लास मेंटेन करना है। क्लास आपका आ गया जैसे प्राइमेटा, प्राइमेटा में मंकी भी है, गोरिल्ला भी है, गिबॉन भी है, ये आपके ऑर्डर प्राइमेटा के हैं जो ममेलिया में डाले गए, और वहीं ऑर्डर कार्निवोरा के कैट डॉग टाइगर ये भी ममेलिया में, तो ममेलिया इज द क्लास। अब इसमें आपका प्राइमेटा ऑर्डर भी आता है और इसी में आपका कार्निवोरा ऑर्डर भी आता है, तो कोई भी पीछे नहीं है, ये दोनों ही इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, हाँ कार्निवोर नॉन वेजिटेरियन होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ममेलिया याद करना पड़ेगा, और ये जो आपको चार्ट दिया गया है ये आपके एनसीईआरटी का चार्ट है, पिछले साल भी इससे क्वेश्चन आया, नीट 2022 में इसी चार्ट के अंदर से क्वेश्चन बनाया गया था,
तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक भी चीज इसमें से नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, समझ लो, ठीक है? नॉन नेगोशिएबल है, पूरे मार्क्स चाहिए ना बायो में, तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है? चलो, अगर हम होमो सेपियंस की बात करें तो इनका बायोलॉजिकल नेम है मैन का, जीनस होमो है, सेपियंस इनकी स्पीशीज है, फैमिली होमिनिडी है, ऑर्डर प्राइमेटा है, क्लास ममेलिया है, एंड फाइलम कॉर्डेट्स है। किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम में आते हैं, ठीक है? हाँ, हाउस फ्लाई से आया था क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात है। काव्या बेटा, पहले वही बात कर लें, इवोल्यूशन की बात कर लें पहले, फिर पढ़ेंगे। हाँ, नॉन प्राइमेट्स अलग ऑर्डर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, वो अलग होंगे ना बेटा, वो एग्जाम्पल जितना दिया है उतने बार से बात कर रहे हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं केवल, ठीक है? सारी बदमाशी तुमको यही आ रही है। हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, मस्का इसका जीनस है, मस्किडी फैमिली है, देखो एई से एंड हो रहा है, यहाँ पे भी एई से एंड हो रहा है, डिप्टेरा क्लास है, और इसका ऑर्डर है, इंसेक्टा क्लास है, आर्थ्रोपोडा इनका फाइलम है, एंड एनिमल किंगडम इनका अगेन किंगडम होता है, ठीक है? चलिए, ऐसे ही मैंगो का भी याद रखना है, ऐसे ही वीट का भी याद करना है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट आएगा फाइलम या डिवीजन। जब हम एनिमल की बात करते हैं तो वहां फाइलम यूज होता है, जब हम एनिमल की बात करते हैं, मेरे फोन की बैटरी जा रही है, रुक जाओ 1 मिनट, नहीं तो मैं आपका चार्ट नहीं पढ़ पाऊंगी। देखते हैं इफ इट कैन वर्क, कोशिश करेंगे, ठीक है? चलो, जब हम फाइलम की बात कर रहे हैं तो हम एनिमल की बात करते हैं, एनिमल में, एनिमल किंगडम में फर्दर डिवीजन फाइलम के फॉर्म में होता है, लेकिन जब हम प्लांट की बात करें तो प्लांट किंगडम के बाद डिवीजन आते हैं, कभी फाइलम नहीं आता, ठीक है? कभी फाइलम नहीं आता। ओहो, सॉरी सॉरी, चलिए ओके। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हायर देन क्लास, लोअर देन, लोअर इन रैंक टू किंगडम। फाइलम इज यूज फॉर एनिमल, डिवीजन इज यूज फॉर प्लांट्स, दोनों एक ही लेवल है, बट प्लांट और एनिमल के नाम अलग अलग यूज होते हैं। तो कॉर्डेटा जैसे हमारी, हमारा फाइलम है, ठीक है? वैसे आपके प्लांट्स हैं, उनका डिवीजन अलग होता है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म अलग अलग है। किंगडम की बात करें तो मेजर किंगडम 5 हैं आपके, जो आर एच विटेकर ने दिया था। हाइस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनमी इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिज्म विद शेयर अ सेट ऑफ डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक, एग्जाम्पल एनिमल किंगडम एनिमल्स के लिए, प्लांट किंगडम प्लांट्स के लिए। आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, क्या नाम था 5 किंगडम का? एनी वन, यहाँ पे लिखा हुआ है, बेटा अभी है तो, मतलब आपका टैक्सोनॉमिकल 8 बचा हुआ है, तो थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। मैं जानती हूँ आपका टाइम, नमाज का टाइम, लेकिन इतने जल्दी नहीं, अभी 1 घंटे बाद होगा ना बच्चा, तब तक हो जाएगा। तो उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था, कब? 1969 में। ये भी तारीख, सॉरी ईयर भी आपसे पूछा जाता है। हाँ, आज ही कंप्लीट करना, 1 day 1 chapter है इसका नाम। बताओ तुम इतना छोटा चैप्टर आज नहीं कर पाओगे, आज आगे आगे प्लांट किंगडम आएगा, एनिमल किंगडम, तो 3-3 घंटे चलेगा, थक जाओगे क्या इतनी जल्दी? खा पी के बैठो, खाना खा के बैठे हो ना, थोड़ा एनर्जी लेके बैठो, पानी रखो, ग्लूकोन डी रखो। देखो हम तो बस पानी लेके बैठे हैं और कुछ नहीं लिए हुए हैं, मेरे अंदर इतनी एनर्जी, मैं तो इतना बोल रही हूँ आपसे, और आपको पता है किस कंडीशन में मैं बात कर रही हूँ आज, किस कंडीशन में मैं क्लासेस लेती हूँ। हाँ, मुझे घूमने जाना है बेटा, घूम आओ, चलो घूम आओ, फिर बस मेडिकल कॉलेज घूमने ही जाना, एडमिशन लेने मत जाना, ठीक है? आ जाओ, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टेक्सॉन में कैटेगरी दी हुई है। अगर हम यूकेरियोट्स की बात करें तो एनिमेलिया किंगडम है, कॉर्डेटा फाइलम है, ममेलिया क्लास है, प्राइमेट ऑर्डर है, होमिनिडी फैमिली, होमो जीनस है, होमो सेपियंस आपके ह्यूमन का बोटानिकल नेम है, ठीक है?
अच्छा आज बर्थडे है आपका? ओहो हैप्पी बर्थडे। बट आधे एक घंटे की बात है बच्चा, अगले साल तक मेडिकल कॉलेज में बर्थडे मनाओगे, सोच रहे हो? तो थोड़ा सा एफर्ट। लास्ट टॉपिक है आज का टैक्सोनॉमिकल एट, बहुत अच्छा है, मुश्किल से 20 मिनट का टॉपिक है, ठीक है? कर लीजिए फिर जाइएगा, ओके? इतना तो बनता ना। एंड विश यू ऑल द मतलब मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, विश यू गेट ऑल द सक्सेस दिस ईयर, ताकि आप जल्दी से डॉक्टर बनो, ठीक है? चलो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, यस और नो? चलो विश कर दो बेटा, काव्या थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएगी, सब लोग विश कर दो फटाफट से, प्यारा सा बच्चा है ये भी। हाँ रोज ने अभी बता दी मैम, ये है बोटैनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरियम, खत्म हो गया एड्स। हाँ और की कौन पढ़ाएगा, मोनोग्राफ्स कौन पढ़ाएगा? जहां से आपको याद है पिछले साल के PYQ अगर आपने किए हैं 2022 के, तो उसमें जो लास्ट पेज एनसीईआरटी का दिया है ना, थोड़ा सा बचा हुआ समरी के जस्ट ऊपर, जो इस चैप्टर का लास्ट एरिया है समरी से जस्ट ऊपर, उसके अंदर से क्वेश्चन आया हुआ है, उसके अंदर से क्वेश्चन आया हुआ है। यस क्या डाउट है बताइए। हाँ रोज बताइए क्या डाउट है, फटाफट से जल्दी से बताइए क्या डाउट है। आ जाओ, टैक्सोनॉमिकल एड का मतलब क्या है? ऐसा एड का मतलब हेल्प होता है, पहली बात तो एड का मतलब हेल्प होता है, सपोर्ट होता है। आपने बचपन में सुना है ना, फर्स्ट एड किट, पहला सपोर्ट, पहला हेल्प जो देता है। तो ऐसे टैक्सोनॉमी को आइडेंटिफाई करने के लिए, इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, जो जो माध्यम से, जो जो आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है, उससे जिससे हेल्प ली जा सकती है, उसी को टेक्सोनॉमिकल एड के नाम से जाना जाता है, ठीक है? हाँ बाकी चैप्टर भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है? एक दिन में एक चैप्टर थोड़ा सा रखना पड़ेगा, कल से चैप्टर, कल से क्लास का ड्यूरेशन और बढ़ेगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इससे थोड़ा बड़ा है, प्लांट किंगडम उससे थोड़ा बड़ा, और एनिमल किंगडम बहुत बड़ा है। एनिमल किंगडम में मेरा बेस्ट कोशिश करूंगी करवा देने की, मुझे बहुत खुद ही लग रहा बहुत हैवी चैप्टर है एक दिन के लिए, लेकिन अगर आप साथ दोगे तो बेटा कर लेंगे अपन मिलके, ठीक है? नहीं रखेंगे बाकी, कल करते हैं परसों करते हैं, क्योंकि बाकी वाला काम ना फिर आप बीच में से आते हो आपको भूल जाता है, ठीक है? चलो मेरा डाउट देखो, मैम किंगडम से स्पीशीज मूव करते हैं तो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होते हैं ना, स्पेसिफिक कैरेक्टर, हाँ इंक्रीज होते हैं बिल्कुल, सिमिलर कैरेक्टर बढ़ेंगे तब, सही बात है, ये PYQ क्वेश्चन है बच्चा, मैं भी करवाऊंगी, ठीक है? चलो जैसे जैसे आप नीचे आते हैं वैसे वैसे कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर बढ़ते हैं, ठीक है? आ जाओ, तो टैक्सोनॉमिकल एड ऐसी टेक्निक और प्रोसीजर है जिससे इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है और उनको आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करने में मदद भी की जाती है। तो बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो नहीं लंबे समय तक जी सकते, तो उनको किसी ना किसी तरह प्रिजर्व करके रखा जाता है। एड्स में क्या क्या आता है, जैसे बोटैनिकल गार्डन, हर्बेरियम, मैनुअल, फ्लोरा, कीज, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, मोनोग्राफ, ये सारी चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सरल बहुत सिंपल सी चीजें, ठीक है? हर्बेरियम की बात करने वाले हैं, हर्बेरियम शीट्स बहुत फेमस है, व्हाट इज हर्बेरियम शीट्स? हर्बेरियम एक ऐसा आपके डिपॉजिटरी है, ऐसा कलेक्शन ऑफ एरिया है, एक एरिया ऐसा जहां पे कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन रहता है, लेकिन वो स्पेसिमेन आपके लिविंग कंडीशन में नहीं होते हैं, ड्राई एंड डेड कंडीशन में होते हैं, जिनके मरने के बाद उनको सुखा के एक पेपर के ऊपर स्टिक करके रखा जाता है, माउंट करके रखा जाता है, उनकी प्रॉपर लेबलिंग होती है, उनका नोमेनक्लेचर लिखा जाता है, कब कलेक्ट किया गया था, किसने कलेक्ट किया गया था, ये सारा चीज इंफॉर्मेशन उस पे पड़ा रहता है, ठीक है? प्रोसीजर क्या होता है, स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है हर्बेरियम के लिए,
उनको प्रेस करके ड्राई किया जाता ताकि जिसमें जितना भी पानी है उसमें से सूख जाए। याद है जब आपको पहला गुलाब किसी ने दिया था या दिया है, ठीक है, या फिर आपने कहीं देखा है, तो लोग अपने बुक के अंदर दबा लेते हैं और कुछ दिन बाद क्या, 1 साल बाद देखते हैं तो वो एकदम चिपटा, एकदम सूखा हो जाता है। कुछ वैसा ही हालत होता है हर्बेरियम शीट में आपके स्पेसिमेन का, उनको एकदम ड्राई करके प्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। फिर उनका स्टेरिलाइजेशन किया जाता है ताकि उसमें कोई भी तरह का आपके ऐसा चीज ना हो जिससे उन्हें फंगल अटैक हो पाए, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पर अटैक कर पाए। तो उनको क्लीन करने के लिए उनका स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, उनको ट्रीट किया जाता है। फिर उनको माउंट किया जाता है एक वाइट शीट के ऊपर, उनको पेस्ट किया जाता है, माउंटिंग का मतलब उनको पेस्ट या स्टिच किया जाएगा। एंड फाइनली उनकी लेबलिंग की जाती है। लेबलिंग में क्या क्या चीजें होती हैं ये सुनना ध्यान से, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना। लोकल नेम होता है, वहां के लोग वहां उसको क्या बुलाते हैं, उनका कॉमन इंग्लिश नेम जो इंग्लिश में उसको बुलाया जाता है, ये भी कॉमन नेम है। फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर उसका लिखा जाता है, ठीक है, फैमिली का उसके नाम लिखा जाता है, किस प्लेस से उसको कलेक्ट किया गया, किस डेट को, किस टाइम को और किसने कलेक्ट किया, ये सारा इंफॉर्मेशन हर्बेरियम शीट पे मेंशन्ड होता है। इसके बाद ही आपका हर्बेरियम शीट कंप्लीट हो पाता है, ठीक है, इज इट क्लियर। आ जाओ बेटा, गुलाब दे लिए ना, अब आ जाओ, आ जाओ। वो सूख भी गया या किसी ने रख लिया होगा या तो फेंक दिया होगा, कुछ तो किया होगा उसका, आ जाओ वापस, इज इट क्लियर। तो क्या हुआ, लोकल नेम, इंग्लिश नेम, बोटानिकल नेम, फैमिली नेम, कलेक्शन का प्लेस, डेट, टाइम और कलेक्टर का नाम, ये सारा चीज उस पे मेंशन्ड होता है, ठीक है, इज इट क्लियर। ये आपके हर्बेरियम शीट पे देखा जाता है। स्टोरेज ऑफ हर्बेरियम शीट रखा जाता है, कभी भी जरूरत पड़ी है तो उसको वैसे ही निकाल के स्टडी किया जा सकता है, तो उसको स्टोर किया जाता है उनके सारे डिपॉजिटरी में। सम फेमस हर्बेरिया ऑफ दी वर्ल्ड, इस पे भी क्वेश्चन एक दो बार आया है, जैसे क्यू लंदन का है जो सबसे बड़ा हर्बेरियम है, रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू लंदन में, जहां पे 6.5 मिलियन ऑफ स्पेसिमेन आपके स्टोर्ड है, ठीक है, इसी पे क्वेश्चन ज्यादा आया है क्यू लंदन वाले पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा आपका इंडिया की बात करें तो इंडिया में सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम सिपुर कोलकाता में, यहाँ 2 मिलियन तक आपके स्पेसिमेन को रखा गया है, ठीक है। NBRI नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में 80,000 आपके लगभग स्पेसिमेन को रखा गया वहां पे। क्यों लंदन, क्यों लखनऊ नहीं, हे भगवान, रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यों लंदन बेटा, लखनऊ कैसे चला जाएगा क्यों, हे भगवान, तुम तो भैया गजब हो एकदम। लिख मत आना लंदन और लखनऊ को एक करके। हां जी, नेक्स्ट हमारा बोटानिकल गार्डन है, बोटानिकल गार्डन कितने लोग विजिट किए हो, सच सच बताना, कितने लोग गए हो बोटानिकल गार्डन। मैं बैंगलोर में, बहुत फेमस बोटानिकल गार्डन है, एक नहीं दो दो, एक लाल बाग फेमस है, दूसरा बनरगट्टा है। बनरगट्टा इज नॉट ए बोटानिकल गार्डन एज सच, बट हाँ लाल बाग इज वेरी फेमस। फिर आपके ऊटी में एक बहुत अच्छा बोटानिकल गार्डन है, तो वेरी, देयर आर सो मेनी बोटानिकल गार्डन इन इंडिया राइट नाउ। बोटानिकल गार्डन में क्या होता है, सिर्फ पेड़ ही पेड़ होते हैं, जैसा लगता है गार्डन है वो, ठीक है, सिर्फ उसका नाम बोटानिकल गार्डन रखा गया है। अलग अलग स्पीशीज के प्लांट को ग्रो किया जाता है, ठीक है, वो लिविंग प्लांट स्पेसिमेन होते हैं, लिविंग जीते जागते प्लांट होते हैं, उनको ग्रो किया जाता है क्योंकि या तो वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, इंडेंजर्ड है, या फिर उनका कलेक्शन बनाया जाता है ताकि वो समय से पहले खत्म ना हो जाए, ठीक है। प्लांट स्पेसिमेन इन बोटेनिकल गार्डन आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, ईच प्लांट इज लेबल्ड। लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे, आपका रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू लंदन में, जहां पे हर्बेरियम भी है, सेम जगह सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन भी यही है। और इंडिया में कोलकाता में इंडियन बोटैनिकल गार्डन, सेम कोलकाता में जहां पे हर्बेरियम शीट भी रखी गई है, हाँ हावड़ा में, बिल्कुल सही बात है।
रॉयल बोटैनिकल गार्डन, इंडियन बोटैनिकल गार्डन, नेशनल बोटैनिकल गार्डन लखनऊ, यही आपको मेनली पूछा जाएगा बस, ठीक है? इज इट क्लियर? चलिए बोटैनिकल गार्डन का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ बोटैनिकल गार्डन? दे हैव एस्थेटिक अपील, एक तो दिखने में सुंदर है तो लोग विजिट करने आते हैं, ठीक है? उसके ऊपर रिक्रिएशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, वहां के जो लोकल्स हैं उनको रिक्रिएशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है? दीज आर द हेल्प विच बोटैनिकल गार्डन गिव्स। बहुत सारे प्लांट स्पीशीज को ग्रो किया जाता है तो रिसर्च में काफी इजी रहता है। इवन ये एजुकेशनल ट्रिप पे भी बच्चों को ले जाया जाता है ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज को पहचान पाए, उनको समझ पाए, ठीक है? वो अलग बात है, आप जाते हो तो आप तफरी मार रहे हो, मजे कर रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, बहुत कम ही बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन इट्स अ साइंस, इट्स अ एजुकेशनल एरिया जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज को स्टडी किया जा सकता है, ठीक है? सेक्रेट ग्रुप्स बेटा नेचुरल है, बोटैनिकल गार्डन मैन मेड है, ध्यान रखना ये चीज, आर्टिफिशियल सिस्टम है ये, ठीक है? सेक्रेट ग्रुप्स जो नेचुरल अपने एनवायरमेंट में है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो बोटैनिकल गार्डन नहीं है, ठीक है? दैट इज नॉट ए बोटैनिकल गार्डन, ठीक है? चल, दो तीन बच्चे हैं डिस्टर्ब करने आए हैं, मैं बस आप लोग से कह रही हूँ बच्चों, अगर ये बदमाशी करें तो इन्हें बोल दीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं वही करूंगी, यहाँ से हटा दूंगी, ठीक है? क्लास से हटा दूंगी बस। चलो हाँ, ये आपका एक्स सी टू है, आपका सेक्रेट ग्रुप्स इन सीटू होता है, ठीक? गार्डन ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज, दो एंडेंजर्ड हो सकते हैं, जो खत्म हो सकते हैं, उनको भी ग्रो किया जाता है कि भैया इससे पहले वो खत्म हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, इनको यहाँ पे भी प्रिजर्व करके रखते हैं कि इनका सीड को सीड बैंक में कंजर्व कर लिया जाएगा, ठीक है? देर आर मोर देन 500 बोटैनिकल गार्डन ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोवाइड फ्री एक्सचेंज ऑफ सीड। तो फ्री एक्सचेंज ऑफ सीड, इस पे भी क्वेश्चन आया बहुत साल पहले पीवाईक्यू में, कि फ्री एक्सचेंज ऑफ सीड में कौन मदद करते हैं, दैट इज बोटैनिकल गार्डन। लगभग पूरे वर्ल्ड में 500 बोटैनिकल गार्डन है, ठीक है? हाँ, इकोलॉजी में भी इसका थोड़ा डिटेलिंग है, बिल्कुल है। इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, प्रोवाइड ग्रीनरी, हेल्प इन क्रिएटिंग पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, सम सर्व्स एज हैबिटेट फॉर एनिमल्स, ये सारे आपके एडवांटेज हैं बोटैनिकल गार्डन के, ठीक है? 500 अभी कम लग रहे हैं, इतने प्रोटेक्ट हो जाए बहुत बड़ी बात है, और ये मोर देन कहा है ना, ओनली 500 ने, 500 से ज्यादा मतलब वही होंगे, ठीक है? बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सी चीजें प्रिजर्व की गई, नेशनल पार्क भी बनाए गए हैं, ठीक है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनाई गई, सब में प्लांट्स भी है ना, ऐसा नहीं सिर्फ एनिमल एनिमल ही है, वहां प्लांट्स भी कंजर्व्ड है। तो अलग अलग तरीके से आपके बोटैनिकल गार्डन्स को बनाया गया, जैसे जू बहुत ज्यादा नहीं है, जू भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही पूरे वर्ल्ड में है। नेक्स्ट आएंगे म्यूजियम, म्यूजियम सब लोग गए हो राइट, म्यूजियम तो गए हो यार, ऐसा मत करो आप। बायो लैब गए हो अपने स्कूल का, बायोलॉजी लैब, हाँ ये सारे आपके एक्स सी टू हैं, सब एक्स सी टू हैं, कोई भी इन सी टू नहीं इनमें से, सब लोग गए म्यूजियम, बायोलॉजी लैब में देखे हो, स्पेसिमेन स्पेसिमेन रखे रहते हैं, ठीक है? तो म्यूजियम में आपके क्या करते हैं, एक तो पुश्तैनी चीजों को रखते हैं लोग, राजा महाराजाओं के तलवार, क्या क्या रखते हैं, उनके घर का सामान, जाने क्या क्या रखते हैं। उसके अलावा अगर एजुकेशनल पर्पस से बात की जाए तो कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल स्पेसिमेन को भी प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है? बोटैनिकल और जूलॉजिकल डिपार्टमेंट भी होते हैं म्यूजियम्स में, जहां इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है? प्लांट विच कैन नॉट बी केप्ट इन हर्बेरिया आर प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम, जिनको ड्राई करके सुखा करके हर्बेरिया में नहीं रखा जा सकता उनको म्यूजियम में रखा जाता है, थोड़े उबड़े होंगे, थोड़े बड़े होंगे, जिनको हर्बेरिया में रखना इजी नहीं है। वैसे ही आपके एनिमल्स भी हैं जिनको, जिनके मरने के बाद उनको पहले क्या किया जाता है, पिन किया जाता है, ठीक है? और उनके अंदर स्टफिंग करके फिर उनको एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है, ठीक है? इंसेक्ट बॉक्सेस के अंदर। तो एल्गी, फंगी, मॉसेस, फर्न्स, फ्रूट्स, ये सारे आपके क्या हैं, प्लांट के एक तरह से स्पेसिमेंस हैं जो कि म्यूजियम में रखते हैं, और इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्सेस में रखते हैं, उनको मार के
उनको पिन किया जाता है, उनको स्टफ करके प्रिजर्व किया जाता है, उनका स्केलेटल फॉर्म, ताकि बाहर से उनको देखा जा सके क्लियरली कि उनकी बॉडी दिखती कैसी है। अंदर उनके कुछ नहीं होगा, अंदर उनके रूई भरी रहती है, लेकिन बाहर से सब कुछ दिखता है। ठीक है, चलिए बेटा, स्केलेटन स्पेसिम वो अलग चीज है ना, वो तो मॉडल हुआ, जिंदा मतलब जिंदा क्या, ओरिजिनल वाला भी लोग रखते हैं बायोलॉजी लैब में, जानवर और डिफरेंट डिफरेंट बीज रखते हैं, फ्रॉग रखते हैं, ये भी लैब में होता है। ठीक है, हाँ बॉटल्स में रहता है ना, फॉर्मेलिन में स्टोर्ड। म्यूजियम देखो कौन कौन से, न्यूयॉर्क में आपका अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, इंडिया में दिल्ली में है आपका नेशनल म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री नेचुरल हिस्ट्री, और आपके पुणे में भी है म्यूजियम ऑफ आर्थ्रोपोड्स, म्यूजियम ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में। म्यूजियम ऐसा सच आपको नहीं पूछे गए अभी तक। कई बार बेटा उसको किल्ड मिलते हैं, हाँ कई बार लोग किल करते भी हैं, ठीक है इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसे इंसेक्ट हुआ, ठीक है हाउस फ्लाई हुई, इनको मार के रखा जाता है डेफिनेटली। नेक्स्ट आया जूलॉजिकल पार्क, जिसको आप जू कहते हो, यहाँ तो सब लोग ही गए, 100% सब लोग गए, कुछ बच्चे मुझे पिछली बार बोले थे जू नहीं गए, ठीक है अगर आप जू नहीं गए हो तो बस आपको क्या करना, अपना फोन सेल्फी मोड में ऑन करना है, एक बार तो दर्शन हो ही जाएंगे। ठीक है, तो जूलॉजिकल पार्क क्या है, जू है, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स रखे जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, इसलिए नहीं रखे जाते कि उनको परेशान करें, इसलिए रखा जाता है ताकि उनको प्रोटेक्ट कर पाए। हाँ हम मानते हैं, ठीक है मैं मानती हूँ कि जू में उनको नॉर्मल इन्वायरमेंट नहीं मिलता, बट कोशिश ऐसी की जाती है कि उनको केयर के साथ साथ उनका नॉर्मल इन्वायरमेंट भी दिया जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए, ताकि उनकी फूड हैबिट उनके बिहेवियर को भी साथ साथ समझा जा सके। ठीक है चलो, तो आप सच्ची जू नहीं गए हो, चलो कोई नहीं एक बार एग्जाम दे लो फिर जू घूम आना। इंडिया में लगभग 200 जूलॉजिकल पार्क है, इंडिया में ही केवल, ठीक है जो कि जिसको सेंट्रल जू अथॉरिटी मैनेज करती है। वर्ल्ड जू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी WWZCS, ये सारे जूलॉजिकल इंस्टीट्यूशन को जू के नाम से बुलाती है। जू का काम क्या है, एक तो वाइल्ड लाइफ को अंडरस्टैंड करना, उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है एजुकेशन सेंटर बनाना, रिक्रिएशन एक्टिविटी करवाना, कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड एंड रेयर एनिमल्स, एक्सीटू ब्रीडिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो इंडेंजर्ड एनिमल है उनको थोड़ा ब्रीड करवाना पड़ेगा ताकि उनकी तादाद बढ़ पाए, अगर उनकी तादाद नहीं बढ़ाएंगे तो वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगी, क्योंकि उनकी भी एक एज है, तो नया उनका स्पीशीज आपके डेफिनेटली ऑफस्प्रिंग बनवाना पड़ेगा, ठीक है रिप्रोड्यूस करवाना पड़ेगा ताकि उनकी स्पीशीज जो है कंटिन्यू कर पाए, तो इसके काम के लिए भी जू यूज किया जाता है। ठीक है, सम फेमस जूज इन इंडिया, नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली, नंदन कानन जू उड़ीसा, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क पुणे, अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता, गुवाहाटी जू, मैसूर जू, एलन फॉरेस्ट जू, सब अलग अलग जगह है, असम कर्नाटक और कानपुर, मैं इसमें गई हुई हूँ, ठीक है एक ही इसमें से एक ही में गई हूँ मैं भी, गजब। चल मैं भी देखो ज्यादा घूमी नहीं हूँ यार, मैं भी एक ही गई हूँ, इसमें से एक गई हूँ, जू नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अब देख लेना। नेक्स्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है की, यहां से छोटे छोटे आपके टेक्सोनॉमिकल एड है, इनको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है की समझना इस बात को, की एक टेक्सोनॉमिकल एड ही है जो किसके बेसिस पे डिफरेंशिएट करता है चीजों को, प्रोटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई, और आपके एड के फॉर्म में यूज होता है, ठीक है जब किसी चीज की सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी को ये ध्यान में रख, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, इन दोनों के बेसिस पे ही की एज ए टेक्सोनॉमिकल एड यूज होता है।
क्या दोनों में सिमिलैरिटीज हैं, क्या किसी दो चीजों में क्या सिमिलैरिटी क्या नहीं सिमिलैरिटी है, वो चीज ध्यान रखता है। ये जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है सिमिलैरिटी नॉन सिमिलैरिटी का, इस पेयर को हम कपलेट बोलते हैं। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं कि कपलेट क्या होता है और आपका लीड क्या होती है। ये कपलेट जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं उनको एक साथ पेयर में देखते हैं तो उनको कपलेट कहते हैं। और जो कैरेक्टरिस्टिक होता है जिससे कपलेट को डिफाइन किया जाता है, दिस स्टेटमेंट से सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी को डिफाइन किया जाता है, उसको हम लीड कहते हैं। ठीक है, उसको हम लीड कहते हैं। पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को कपलेट कहते हैं, और जिस कैरेक्टरिस्टिक का कंट्रास्टिंग कैरेक्टर डिफाइन किया जा रहा है उसको हम लीड के नाम से जानते हैं, जो कि आपका की का टेक्सोनोमिकल एड बनता है, जो कि की को एक टेक्सोनोमिकल एड बनाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, फिर से सुनना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। की कैसे आपकी डिफाइन करता है, टेक्सोनोमिकल एड के नाम पे कैसे यूज होता है, ये आइडेंटिफाई करवाता है प्लांट या एनिमल को उनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे। अब ये सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी एक स्टेटमेंट पे बेस्ड होता है, और वो जो स्टेटमेंट होता है उसको लीड कहते हैं। और इस स्टेटमेंट का जो कंट्रास्टिंग, दोनों आपके स्टेटमेंट होगा, एक में होगा एक में नहीं होगा, वो दोनों स्टेटमेंट को हम कपलेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक ही ट्रेट के दो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स होंगे, उन दोनों स्टेटमेंट्स को कपलेट के नाम से जाना जाता है, तो की एनालिटिकल होता है। टेक्सोनोमिकल एड तो है लेकिन एनालिटिकल, ठीक है, जो एनालिसिस के बेस पे होता है कि कौन सा सही है कौन सा डिफर कर रहा है। ठीक है, आ जाओ। इसके अलावा कुछ और आपके एड्स हैं, जैसे फ्लोरा। जैसे आपने वर्ड सुना है फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा का मतलब जितने भी वहां पे हैबिटेट है प्लांट के एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम फ्लोरा कहते हैं। ठीक है, फ्लोरा इज उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन हैबिटेट है, उसको हम फ्लोरा कहते हैं। मोनोग्राफ, मोनो का मतलब सिंगल, मोनोग्राफ मतलब ऐसी हैंडबुक जिसमें सिर्फ एक ही टेक्सॉन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो, उसको हम मोनोग्राफ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके मैनुअल। मैनुअल एक इंफॉर्मेशन ही है जहां पे उस एरिया के सारे स्पीशीज का नाम होगा, वहां प्लांट और एनिमल डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, सारे स्पीशीज जो इस एरिया में उनका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। और लास्ट है कैटलॉग। कैटलॉग में सारे पब्लिकेशंस होते हैं, अलग अलग पब्लिकेशन जो उन्होंने पब्लिशर्स ने डाले हैं, बुक्स के थ्रू, डिक्शनरीज के थ्रू, नई नई इंफॉर्मेशन वो एक कैटलॉग के अंदर आ जाती है। ठीक है, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं। इज इट क्लियर? बताओ, यहां तक अब आपका ये चैप्टर खत्म। 1.5 घंटे में हमने पूरा लिविंग वर्ड कर लिया है, और इसी तरह से करोगे तो आई थिंक कल वाला सेशन जो है 2 घंटे तक जाएगा मैक्सिमम, और प्लांट किंगडम भी 2-2.5 घंटे लेगा, एनिमल किंगडम 3 घंटे लेगा कम से कम। ठीक है, मैनुअल और फ्लोरा में मेजर डिफरेंस है। फ्लोरा केवल प्लांट के स्पेसिमेन का नाम रखता है, मैनुअल हर एक स्पीशीज का नाम रखता है जो उस एरिया में। ठीक है, एक्स सी टू इन सी टू यहां पे तो नहीं बताते हैं बच्चे, लेकिन बता देती हूँ आपको, वो इकोलॉजी का पार्ट है। एक्स सी टू, एक्स मतलब एग्जिट, उनको नेचुरल एनवायरमेंट से निकाल दिया गया है, यानी जहां पे वो नेचुरली थे वहां से लेके कहीं और ले गया गया, दैट इज एक्स सी टू। इन सीटू मतलब अपन जहां थे वहीं पे, इन साइड देयर नेचुरल हैबिटेट। तो अगर किसी पेड़ को जंगल में ही रखा गया तो वो इन सीटू है, किसी जानवर को, शेर को अगर जंगल में रखा गया तो इन सीटू है, शेर को अगर जू में रख दिया गया तो दैट इज एक्स सीटू। ठीक है, हाँ, क्लास एंड होने वाली है क्योंकि आप क्विज करेंगे। 1 आवर नहीं हो गया, 1.5 आवर हो गया, तुम लोग भी 1 आवर पे लगे हो हैं, भूल भी गए। एक सेकेंड, चलो आप फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। टर्म सिस्टमैटिक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, फटाफट से आंसर देना, फटाफट से एकदम।
टर्म सिस्टमैटिक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने दिया था जल्दी से बताना, एकदम फटाफट ये क्वेश्चन करेंगे. इट वॉज गिवन बाय लीनियस. यस. साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स आर गिवन बाय, प्लांट का साइंटिफिक नेम कौन दिया, किसने दिया था. ज्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन है, फटाफट से करेंगे. फिर मैं इसका सारा क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, कहाँ, स्पेशल क्लास में. ठीक है, पीवाईक्यू करना है कि सारे क्वेश्चंस करने ही, बताओ मुझे, ये आपको बताना पड़ेगा. पीवाईक्यू करना है या ऑल क्वेश्चंस करने हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के, बताओ. इट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, बिल्कुल सही. सिस्टमैटिक्स डील्स विथ रैंडम क्वेश्चंस कराए, पीवाईक्यू कर लोगे आप, बाद में पीवाईक्यू करवा दूं. चलो, सिस्टमैटिक्स डील्स विथ, चलो इट डील्स विथ ऑल ऑफ दीज, सारे होंगे. मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू क्या आता है इसमें, कैटाबॉलिज्म भी आता है, एनाबॉलिज्म भी आता है. देयर विल बी अ गेन ऑफ एनर्जी एंड रिलीज ऑफ एनर्जी. डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग इज. अब ये थोड़ा सा गूगली क्वेश्चन है, बट ध्यान से दोगे तो समझ में आ जाएगा तुमको. वेरी गुड, दे कैन रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बहुत बढ़िया. देखो ये सारे नहीं है, ठीक है, तो यही एक लौता बचा है. दो इसमें भी एक्सेप्शन है, बट यहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट यही है. साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो सही से बताना, स्पेलिंग चेक कर लेना, इटैलिक्स चेक कर लेना, सब चेक कर लेना, फिर बताना. साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज, इट इज मैग्निफेरा इंडिका, आई स्मॉल होगा और इटैलिक्स में लिखा रहेगा, बिल्कुल सही. द फंगी फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनेम ऑफ मॉसेस ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाय. All easily multiply by. किससे होगा? It is fragmentation. थोड़ा सा out है, but ये आपके reproduction वाली unit का question है. Which one of the following taxonomical aid is used for identification of plant and animal on the basis of similarity and dissimilarity? अभी किया ये. Similarity PYQ question है, ये भी बता दे रही हूँ मैं. सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, इट इज कीज, वेरी गुड. सोलेनम पैंथरा होमो आर एग्जाम्पल्स ऑफ, किसी भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का पहला वर्ड है ये, तो क्या बनेगा ये, वॉट इट विल बी, इट इज जेनेरा नेम, वेरी गुड. लास्ट क्वेश्चन, टेक्सॉन इज अ, व्हाट इज टेक्सॉन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं होता टेक्सॉन, नो इट इज नॉट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. टेक्सॉन में क्या होते हैं, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं. हाईएस्ट रैंक बेटा किंगडम होता है, कहां कहां पहुंच गए. यस, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशीज है ना बच्चा, सबसे छोटी. टेक्सॉन तो लेवल को कहते हैं, किसी को भी थोड़ी ना बोल देंगे. चलो, इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है,
और आपको पता है ये मेजर क्रैश कोर्स आपका 20th of January से शुरू हो रहा है, जिसका हिस्सा मैं भी हूँ, ठीक है, आई एम ऑल्सो दी पार्ट ऑफ इट। तो ये 20th of January से होगा, इसमें मेरे भी चैप्टर्स हैं, कुछ कुछ आपके गरिमा मैम के चैप्टर्स हैं, कुछ ऋतु मैम के चैप्टर्स हैं, कुछ गार्गी मैम के चैप्टर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर कुछ कुछ चैप्टर्स ले रहे हैं। 90 days का क्रैश कोर्स है ये, 90 दिन में ये पूरा क्रैश कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। 20th of Jan से स्टार्ट हो रहा है, 4,999 rupees का, ऑन यूजिंग द कोड साक्षी 100, ठीक है, 90 days में पूरा आपको ये सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। और डाउट सॉल्विंग रहेगा, लाइव लेक्चर, स्पेसिफिक 7 स्पेसिफिक टेस्ट रहेंगे हर 15 दिन पे जो होंगे आपके, 2 मेजर मॉक टेस्ट भी इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। और अथर्वा टेस्ट सीरीज आपका आ रहा है, ठीक है, 999 rupees में January 15 से, अगेन इसमें एनरोल कर सकते हैं विद द कोड साक्षी 100, ठीक है, नंबर ऑफ टेस्ट 15 रहेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट 7 रहेंगे, रैंक प्रेडिक्टर भी प्रेजेंट रहेगा इसमें। बाकी सारांश बैच December 24 से स्टार्ट हो चुका है, इसका भी हिसाब ले बन सकते हैं, 2,000 rupees में है ये। और महासंग्राम बैच 24th of December से ऑलरेडी रनिंग है, अगेन इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। PYQ मेस्ट्रो फी ऑफ कॉस्ट है, इसमें फ्री में एनरोल कर सकते हैं सेम कोड से, ठीक है। और बच्चों विजयवाड़ा और अहमदाबाद में भी बहुत जल्दी अन अकेडमी सेंटर ओपन होने वाला है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए, ठीक है। मजा आया लेक्चर में, अब रेगुलर रहना है, 3 बजे का सेशन है। अगर रेगुलरिटी टूटी, आप बोलते हो ना मैम क्लास क्यों छोड़ देते हो आप, अगर आप रेगुलर नहीं होगे, आप क्लास में नहीं पढ़ोगे तो मैं किसको पढ़ाऊंगी, ठीक है। मेरी बहुत एनर्जी लगती है बेटा इस समय, मेरे बॉडी से 2 लोग एनर्जी ले रहे हैं, आपको भी पता है, और इतनी एनर्जी इसमें बोल के निकालना बहुत बड़ा जॉब है, ठीक है। आपको अभी फील नहीं होगी ये सब चीज़ें, लेकिन इट्स वेरी टायरिंग, ठीक है। अगर मैं खड़े होकर पढ़ाऊंगी तो मैं बेहोश हो जाऊंगी, इतनी बुरी हालत हो जाती है एनर्जी लगने में। तो थोड़ा सा रेगुलरिटी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं कि आपका क्लास डेली लग पाए, ठीक है। इज इट क्लियर? तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन हिट कर देंगे, लाइक एंड शेयर द सेशन, और PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, मेरा नाम याद रखना डॉक्टर साक्षी बरनवाल, बस वहां पे टेलीग्राम पे आपको मैं मिल जाऊंगी, ओके। लखनऊ में ऑलरेडी सेंटर ओपन हो चुका है, ठीक है, तो आप वहां पे एनरोल कर सकते हो जाके। आप आंध्र प्रदेश से हैं, बहुत अच्छे, विजयवाड़ा तो पास ही है, बैंगलोर भी पास है। चलिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। बच्चा ये नंबर दिया हुआ है, आप इस पे कांटेक्ट कर लीजिए एक बार, ठीक है, 858-585-8585, ठीक है, इस पे कांटेक्ट कर लोगे, आपको सारी जहाँ पे भी सेंटर है जो जी सब कुछ आपको इन्फो मिल जाएगी, ठीक है। चलिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे बच्चों। कल सुबह 9:30 बजे हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सुबह 9:30 बजे, और 3 बजे आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।